Yes, नमस्कार, राजगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो कलाकार जुड़ रहे हैं उनके बारे में परिचय देने से पहले अपने इस प्रयास के बारे में बता दें। हमारा प्रयास है कि हम संगीत से सकारात्मकता की तरफ बढ़ें और जो मुश्किल वक्त इस समय पूरी दुनिया के सामने है उसमें कुछ अच्छी बात करें, कुछ ऐसे संस्कारों की बात करें, कुछ संगीत की बात करें, कुछ किस्से सुने जिससे कि हमारे भीतर पॉजिटिविटी रहे, सकारात्मकता रहे। और जो कलाकार दीपक पंडित जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके बारे में इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि उनसे हमारी जो मोहब्बत है, रागगिरी की जो मोहब्बत है वो कई दशकों पुरानी है। और सिलसिला यूं शुरू हुआ कि 93-94 के आसपास इलाहाबाद में मैं था और वहां पर जगजीत सिंह साहब की कैसेट लेके आते थे और उनकी गजलों में एक वायलिन जो है बहुत पर्टिकुलरली और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ इस्तेमाल की जाती थी, तो उस वायलिन से प्यार हुआ सबसे पहले। और फिर जब वो समय आया जब जगजीत सिंह अपने लाइव कार्यक्रम में अपने म्यूजिशियंस का परिचय देते थे तो उस तब ये पता चला कि वो जो खूबसूरत वायलिन थी उसे बजाने वाले म्यूजिशियन थे दीपक पंडित जी। और फिर वो दौर भी आया जब वीडियोस देखने लगे हम लोग और यूट्यूब और तमाम दूसरे साधन ऐसे आ गए, तब दीपक पंडित जी की तस्वीर कह ले या उनके उनके चेहरे से भी परिचय हुआ। तो इसमें एक एक दशक लग गया लेकिन धीरे 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 पहले उनके साथ से परिचय हुआ, फिर उनके नाम से परिचय हुआ और फिर उनकी शक्ल से परिचय हुआ, उनके हुनर से परिचय हुआ, उनकी कला से परिचय हुआ और कंप्लीटली हम जो मोहब्बत 2.5 दशक पहले शुरू हुई थी उसमें गिरफ्तार हो गए। दीपक भाई बहुत 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 स्वागत है आपका, आपने रागगिरी के यूट्यूब चैनल के लिए समय निकाला। लेकिन ये जो मैंने अपनी मोहब्बत का आपसे आज जिक्र किया उस मोहब्बत के मोहब्बत पे बातचीत करेंगे और बहुत अच्छी बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल, पहली तो जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, वो यही है कि ये जो समय है वो मुश्किल समय है, हम सब जानते हैं, किस तरह से आपका ये समय निकल रहा है, किस तरह से लॉकडाउन का समय बीत रहा है? सबसे पहले तो शिवेंद्र जी, शिवेंद्र कुमार सिंह साहब, आपको मेरा विनम्र नमस्कार। और मैं जितने जो हमारे रागगिरी से जुड़े हुए जितने मेंबर्स हैं उन सबका, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। ये मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सका हूँ, क्योंकि जिस तरह का काम आप और आपकी सारी टीम कर रहे हैं, जो हमारे जिसको कहना चाहिए जो धरोहर है, जो क्लासिकल म्यूज़िक या फॉर्म ऑफ गज़ल म्यूज़िक, गज़ल या गीत कह लो, या हमारी जो जितनी भी जो संस्कृति है उनके लिए मैं देखता रहता हूँ, आपके ट्वीट्स देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, तो इतनी खुशी होती है मुझे कि हमारा जो संगीत है वो आप जैसे लोगों के हाथ में है, जो क्योंकि क्या है कि इन चीज़ों की प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और वो आप काम आप और आपकी पूरी टीम बड़े बाखूबी निभा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। और उसके अलावा जो अभी आपने मुझे पूछा कि मेरा लॉकडाउन कैसा चल रहा है, तो मैं सच कहूँ आपको कि एक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है पूरे संसार में कि आदमी दिन दुनिया सब भूल जाता है। तो मुझे तो याद है कि जिस दिन आई थिंक 21 या 22 मार्च को मेरे ख्याल से जनता कर्फ्यू हुआ था, उस दिन से मैं आज तक, अगस्त शुरू हो गया, अभी तक मैं काम ही करे जा रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ, तो मुझे लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत अच्छी बात है दीपक भाई, और ये दिखाता भी है कि किस तरह से अगर आप अपने जीवन में अपनी कला को लेकर सकारात्मक हैं, समर्पित हैं, तो किस तरह से कला आपको आपके साथ चलती है। ये रागगिरी का सौभाग्य है कि हम आपसे आज रूबरू हो रहे हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ, नहीं ये हम लोग का भी सौभाग्य है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई कलाकार सामने बैठा हो तो मैं वो जो इंटरनेट पे जानकारियां उपलब्ध है उनसे बहुत बचता हूँ, क्योंकि कई बार वहां जानकारियां जो है वो गलत मिलती हैं। तो ये आज हमें मौका मिला है तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो संगीत सफर था वो कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने वायलिन से ही शुरुआत की, या कई कलाकारों के बारे में हम जानते हैं कि वो कुछ और बचपन में करते थे, बाद में उन्होंने चेंज किया, वो तबला बजाते थे, संतूर पे आ गए, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, तो आपका संगीत सफर कैसे शुरू हुआ इस पर हम जरूर जानना चाहेंगे। मेरा संगीत सफर जो शुरू हुआ सरकार, वो जब मैं आई थिंक 6-7 साल का था। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे जो खानदान है, किस खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ वो मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा। आपको जी, तो पता है, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताना जरूर चाहूँगा कि
बड़ी मशहूर जोड़ी हुई थी कव्वाली की, शंकर शंभू कव्वाल जी जी, तो ये दो भाई थे शंकर जी और शंभू जी। तो शंकर जी मेरे ताऊ जी, मेरे ताया जी, मेरे अंकल, और शंभू जी मेरे पिताजी। तो इन्होंने जो कव्वाली जगत में जो अपना एक मकाम बनाया, और हमारे दादा परदादा, मतलब कहना चाहिए कि एक परंपरा चली आ रही है म्यूज़िक की ख़ानदान में, तो विरासत बोल सकते हैं कि विरासत में मिला है संगीत। लेकिन पिताजी और ताऊ जी, मतलब शंकर जी और शंभू जी, ताऊ जी और पिताजी, मैं ये बड़े फख्र के साथ और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ये पहले और आखिरी कव्वाल हुए हैं जो तो हिंदू हैं, और जो ख्वाजा गरीब नवाज के चहेते हैं, जिनको गरीब नवाज का बोलना चाहिए रिवॉर्ड मिला है वहाँ पर, और खिताब मिला है अपना, मैं नाम भूल रहा हूँ उस खिताब का, ख्वाजा पसंद खिताब, अजमेर शरीफ की दरगाह, जो ख्वाजा गरीब नवाज साहब की जो दरगाह है वहाँ से। तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ था कि हम तो तब पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो खुद बहुत छोटे थे, 15-16 साल के होंगे, और ताऊ जी 2-4 साल और बड़े थे शंकर जी। तो हमारे दादा की इच्छा थी कि इनकी हाजिरी हो अजमेर शरीफ में दरगाह पर, गरीब नवाज के दरगाह पर। लेकिन हिंदू थे और समय बड़ा वो, आपको पता है कि होता था कि नहीं ये कौन है क्या है, छोटे बच्चे हैं, और वहाँ पे दीवान खाने में थोड़ी इनका हाजिरी होगा, वो भी छठी शरीफ के दिन। तो दादाजी जो थे हमारे, वो उन्होंने बड़ी मिन्नतें की लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने गरीब नवाज में अर्जी लगाई कि मैं भूखा रहूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन जब तक यहाँ हाजिरी नहीं लगेगी मेरे बच्चों की, शंकर शंभू जी की, शंकर शंभू जी मतलब वो तो जी नहीं लगाते थे, मेरे बच्चों की शंकर शंभू की हाजिरी नहीं लगेगी तब तक मैं इस जगह से उठूँगा नहीं। तो ऐसा हुआ कि जो फिक्स होते थे सारे परफॉर्मेंसेस जो होते थे वहाँ पे, जो हाजिरी होती थी, तो वहाँ पे कुछ सिंगर्स, कुछ कव्वाल किसी रीजन से नहीं आ पाए, दे वर स्टक समवेयर, पता नहीं जहाँ जो भी हुआ होगा उस समय। तो वो स्लॉट थोड़ा खाली था, वो स्लॉट खाली था, तो दीवान साहब के यहाँ से एक बंदा है और बोले, अरे वो कौन है शंकर शंभू, बच्चे कौन है वो, उनको बोला अंदर, दीवान साहब दीवान खाने में बुलाया दीवान साहब ने। और उस समय करीबन कुछ सवेरे का टाइम था, मेरे ख्याल से कुछ एक 4-4:30 बजे का कुछ टाइम था, और उनको कुछ 10 मिनट का टाइम दिया गया था। तो कव्वाली का हर म्यूज़िक का अपना एक डिसिप्लिन होता है, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है, तो क्लासिकल में आप जो शुरुआत जो भी टाइम है, शाम का वक्त है तो आप यमन से कर रहे हो जो भी, और एंड आप करते हो भैरवी से। तो ऐसे कव्वाली के भी उसूल हैं कि आप शुरू करते हो कॉल से, और जो ख़त्म करते हो कव्वाली का प्रोग्राम वो आप करते हो सलाम से। तो छोटे थे पिताजी और ताऊजी, दोनों ही छोटे थे, तो ताऊजी ने और पिताजी ने बैठते के साथ ही, नींद में थे एकदम, और उठा के अंदर भेज दिया उनको। तो उन्होंने सलाम पढ़ दिया, सलाम आखिरी में पढ़ा जाता है, तो महबूब किबरिया को मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना। तो ये शुरू कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि डिसिप्लिन, मतलब जो कायदे हैं, जो कानून है और जो एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से सलाम के बाद म्यूजिक नहीं होता, जैसे क्लासिकल में भैरवी के बाद नहीं करते, वैसे जैसे जागरणों में तारा रानी की कथा के बाद बस समापन हो गया। तो ऐसी लॉ लग गई थी वहाँ पर, ऐसी लॉ लग गई थी भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, कि आज भी वहाँ पे चर्चे होते हैं, उस समय मीडिया वगैरह नहीं हुआ करता था। और पहली बार ऐसा हुआ अजमेर शरीफ की दरगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर, कि 5:30 कब बज गए पता नहीं चला, और जो सुबह का जो पहली अजान जो होती है, तो वो जो शख्स थे जिनको अजान देनी थी वो भूल गए अजान देना, और वो घंटा बजाना भूल गए। और वहाँ पे ऐसा माहौल था, दीवान खाना जो था वहाँ पर, लोगों को हाल आ रहा है, लोग टकरे मार मार के रो रहे हैं, सफ़ेद दीवार जो खून से लाल हो गई थी, और आवाज़ आई सुभान अल्लाह की। तो दीवान साहब खड़े हो गए, खड़े होके बंद कराया,
तो ये इतिहास में ये चीज दर्ज हो गई है कि वो अजान का टाइम टल गया और वहां से जो आवाज आई सुभान अल्लाह की, और वहां पे महबूब साहब थे जिनका स्टूडियो है बहुत बड़े, आपको पता है महबूब साहब को पूरी दुनिया जानती है। महबूब साहब, हाँ जी, पिताजी को और ताऊजी को बॉम्बे महबूब साहब लेके आए थे। अच्छा, तो तब बॉम्बे नाम होता था, मुंबई हो गया, पहले भी मुंबई था, मुम्मा देवी के नाम से मुंबई था। तो फिर मुंबई आने के बाद उनका स्ट्रगल चालू रहा, स्ट्रगल तो नहीं कह सकते, वो अपने काम से बड़ा प्यार करते थे, तो उनकी कुछ कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी आई है, मैं भी मेरे काम से बहुत प्यार करता हूँ, बे इंतहा इश्क जिसको बोलते ना वो करता हूँ मैं। तो जब यहाँ आ गए, यहाँ का सिलसिला शुरू हो गया और नाम धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। और पिताजी ने और ताऊ जी ने हमेशा राग बेस्ड काम किया, रागों के ऊपर आधारित कंपोज किया है, और हमेशा उन्होंने जो कवाली गाई है वो नात शरीफ या कौल कह लो या सवेला, मतलब वो ख्वाजा पसंद की चीज़ें गाई है, ख्वाजा की शान में गाई है, दूसरा कभी नहीं गाया उन्होंने कुछ भी, ना उन्होंने कभी कोई लाइफ में कंपटीशन किया है, ना किसी के साथ बोलना चाहिए कि कोई बोल रहा है इस ढंग के कवाली है वो गाते, तो वो नहीं, वो गाते थे सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज साहब के लिए। सूफीज्म इज व्हाट ऑल अबाउट इज, यू नो, देयर आर मेनी पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सूफी म्यूजिक। सूफी म्यूजिक कुछ नहीं होता, सूफी म्यूजिक नाम का कोई चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो दरगाह है हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की जो दरगाह है, तो अमीर खुसरो साहब वो जैसे उनके पीर हैं, तो वो उनके ही उनको ही देखते थे और जो गाते बजाते थे उनके लिए ही करते थे, उनमें लीन हो जाना, उनमें पागल हो जाना, उसको सूफीज्म बोलते हैं। कि ये मेरे पीरो मुर्शिद हैं, बस यही मेरी दुनिया है। अब उसको जूम आने भी कर दिया, आगे टाइम में आने के बाद वो महबूब से भी रिलेट कर दिया, वो पीरो मुर्शिद से भी रिलेट कर दिया, लेकिन विच इज रॉन्ग एक्चुअली। तो ये बड़ी लंबी, हजरत अमीर खुसरो साहब आई थिंक 850 साल 700 साल पुरानी बात होगी ये कम से कम, जिन्होंने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट किए हैं वो सबको पता है, आपको 100% पता होगा। तो ये हमारा जो म्यूजिक है ये बड़ा ही पारंपरिक म्यूजिक है। और पिताजी की ताऊ जी की जर्नी शुरू हो गई और बहुत सारे कंसर्ट्स होने लगे, बहुत सारे बैठते घर पे रहते नहीं थे तो हम तो बहुत लेट पैदा हुए। फिर उन्होंने अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बॉम्बे में बंगला बनाया, तो वो वहाँ हमारा जन्म हुआ। फिर उसके बाद जब छोटा था मैं, तो पिताजी की जो ट्रेनिंग थी वो ये थी कि पहले आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए, उससे पहले आप गाना सीखिए। गाना सीखना ज़रूरी है, गाना सीखना इसलिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में सारे सुर वो बैठ जाने चाहिए, छप जाने चाहिए, समझे ना। तो हारमोनियम सिखाया, तो हारमोनियम पे ब्लैक कीज के ऊपर सा, फिर रे, फिर गा, वो ऐसे कागज़ के टुकड़े पे लिख करके सब, और फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, देन थम, देन फर्स्ट, तो वो सब प्रोसीजर जो था वो चल रहा था। लेकिन वो कहते ना कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो खाली होता है, उसमें आप जो चीज़ भर दोगे वो भर जाएगी। तो वो चलता रहा, गाने का रियाज हुआ, गाना शुरू किया, फिर हारमोनियम सीखा, फिर उन्होंने अपना तबला सिखाया हमको। मैं आई यूज्ड टू प्ले तबला। वो उसका रीजन ये है कि खाली गाने से काम नहीं चलेगा, या खाली कोई इंस्ट्रूमेंट ले लोगे आप नहीं चलेगा उससे, आपको रिदम का भी इल्म उतना ही होना चाहिए। एवरी म्यूजिशियन शुड लर्न एनी रिदमिक इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद वो उसको गिटार करना है, पियानो करना है, वोकल मतलब ट्रेनिंग सीखना है, या जो भी करना है, बट पहले आपको रिदम का ज्ञान बहुत जरूरी है। रिदम को लोग बड़े हल्के में लेते हैं, बट वो बहुत बड़ी चीज है संगीत में। लेकिन दीपक भाई, ये वायलिन कैसे हाथ में आया आपके? अच्छा, उससे पहले हमारी जो ट्रेनिंग हुई कि रेडियो में ऑडिशन देना है, अब उस ऑडिशन को क्यों देना है उसके पीछे एक कहानी है कि आपको मिनिमम 120 राग याद करने पड़ेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये हाँ 120 मिनिमम आपको राग याद करने पड़ेंगे। तो वो ऑडिशन एक खाली बहाना था,
रेडियो ऑडिशन तो ये था कि उस चक्कर में ये इनको रागों की नॉलेज होगी और हर रागों का अपना एक टाइम होता है, उस टाइम का असर होता है, इसलिए उस राग ललित जो है सवेरे का राग है या अपना अहिर भैरव, तो उनका एक अपना सुरों का एक वो तार जुड़ा होता है उस टाइम के साथ। तो साइंटिफिक रीजन भी इसके, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो डर से करना पड़ा, तो वो करने के बाद वहाँ तो खैर मैं फेल हो गया रेडियो में तो, और कर नहीं पाया, बट उस चक्कर में राग वगैरह याद हो गए, तराने तिरवट और अपना चतुरंग या बड़ा ख्याल छोटा ख्याल ठुमरी कजरी, इन बीच में ठुमरी कजरी के बीच में कितने लोगों को पता ही नहीं कि क्या फासला है, तो वो सारी चीज़ें बचपन में यहाँ आ गई थी। हारमोनियम भी सीख गया, तबला भी सीख गया था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद गाना तो किया ही था। देन वन डे आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो उसमें तब मैं था मेरे ख्याल से छः सात साल का था, तो मैंने पापा को पूछा, पापा ये जो बच्चा है, मैं खुद बच्चा था लेकिन जो सामने जो टीवी पे मैं जिस आर्टिस्ट को देख रहा था जो मैंडलिन बजा रहे थे, जिनके कारण मैंने ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मेरा वायलिन मैंने शुरू कैसे किया। अच्छा, पिताजी यूज टू प्ले वायलिन, अच्छा साइड सिंगिंग, हाँ हाँ बहुत अच्छा वायलिन, उनका ही वायलिन मैं यूज करता हूँ, बजाता हूँ अभी भी, अभी वो ऑलमोस्ट कुछ 206 साल पुराना हो गया वायलिन जी, एंटिक पीस में आता है जी। तो मैंने बोला कि पिताजी ये जो बजा रहे हैं, ये जो लड़का बजा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ये साज का नाम क्या है, बोला इसको मैंडोलिन कहते हैं। मैंने तो कितना अच्छा बजा रहे हैं ये, फिर मैंने बोला ऊपर एक बड़ी सारी अलमारी थी उसके साइड में ऊपर वायलिन रखा होता, तो मुझे पता भी नहीं था कि वायलिन और मैंडोलिन में, 6-7 साल के बच्चे को क्या पता चलेगा, मैंने ये क्या है, तो बोले ये वायलिन है। तो मैंने ना इसमें और ये जो लड़का जो बजा रहा है ये इसमें क्या फ़र्क है, बोला ये प्लेक्ट्रम से बजता है, इट्स अ स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट एंड वायलिन इज बोइंग इंस्ट्रूमेंट, गज गज बोलते थे, गज से बजता है। अच्छा, तो मैंने बोल तो दिया भैया कि मुझे सीखना है वायलिन, और अभी मैं क्या बताऊं, उनका जो रिएक्शन था, उनके आंख में आंसू थे, एंड ही सेड कि चलो मुझे इस चीज की खुशी है कि मेरे बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट बंद नहीं होगा। क्या बात। अब वो जो लड़का जो मैंडोलिन बजा रहे थे, जो वो तो ना भविष्य जिसको मैं कहता हूँ, जो मेरे आइडल, और ऐसे कलाकार हजारों साल बाद भी नहीं पैदा हो सकते, ये मेरा यकीन है, वो थे यू श्रीनिवास जी। क्या बात। तो उनका मैंडोलिन सुन करके आई स्टार्ट लर्निंग वायलिन फ्रॉम माय फादर, तो मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग उनसे ली वायलिन की। देखिए, मैं आपसे कह ही रहा था कि बहुत सारे कलाकारों की ये कहानी होती है कि वो सीखना कुछ और शुरू करते हैं और फिर वो फाइनली कन्वर्ट होता है किसी और चीज में, लगभग वैसी ही कहानी आपकी भी है। तो उसमें मूर्छना भेद भी होता है, स्किल प्रैक्टिस भी होती है कि गंधार को सा बनाओगे तो ये राग हो गया, मध्यम को सा बनाए तो बिना ट्यूनिंग चेंज किए, तो वो प्रैक्टिस शुरू हुई। एक दिन करते करते यहाँ दर्द हो गया, छेद पड़ गया हाथ में, कभी कभी पूरा लाल हो जाता था, तो छोड़ दिया मैंने, मेरा मेरे से नहीं होगा, तो थोड़े नाराज हुए, बट उसके बाद बोला कर लेगा तो तू तेरे लिए अच्छा है, मेरा इंस्ट्रूमेंट भी तो पड़ा रहेगा, तो मैंने फिर से किया और जितना भी हुआ मुझसे मैंने किया, बाकी उनका आशीर्वाद है। तो वो करते 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 आज भी कर रहा हूँ और डेली रियाज करता हूँ। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा साथ में नहीं रह पाया था पिताजी के साथ, क्योंकि वो तो ट्रैवल ही करते रहते थे, लेकिन जब ताऊजी का देहांत हुआ तब उन्होंने गाना बंद कर दिया था, तो उन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और घर में सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा, तो सारे भाई जो हैं वो पिताजी के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, ये मेरी बदकिस्मती है, बट कहते ना कि ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, बिल्कुल। तो एक फंक्शन में मुझे जगजीत अंकल मिल गए और मैं
उस समय मतलब सभी जगह काम करता था, मैं होटल में बजाता था वायलिन, एक होटल में मैं तबला बजाता था, प्रेसिडेंट होटल कोलाबा में, वहाँ मैं तबला बजाता था, एक सिंगर थे तपस कुमार उनके साथ, हाँ, और दो दिन वहाँ तबला बजाता था और एक दिन ताश तंजौर में वायलिन बजाता था साउथ बॉम्बे में, और दो दिन लीला पेंडा होटल में पियानो के साथ तबले के साथ वायलिन बजाता था इंस्ट्रूमेंटल। तो वो मेरा रियाज होता, सुनता तो कोई था नहीं वहाँ, मेरा रियाज होता था, एक कोई राग पकड़ लिया अपना और रियाज कर रहे। कितनी बार वहाँ प्रेसिडेंट होटल में रात की ट्रेन होती थी 12:40 की, तो वो छूट जाती थी तो स्टेशन पे ही रहता था, सुबह 3:40 का वेट करता था कि पहली ट्रेन निकलेगी फिर घर जाऊँगा। तो वो भी, लेकिन वो मज़ा लिया मैंने उस लाइफ का, बहुत अच्छा आनंद लिया मैंने, मैं गिव अप नहीं किया मैंने कभी भी, और अपने उसूलों को नहीं छोड़ा मैंने, मतलब मैं आज देखता हूँ तो मैंने लाइफ में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी नहीं। खास करके जहाँ बात म्यूजिक की आती है तो म्यूजिक में मैंने कभी लाइफ में कंप्रोमाइज नहीं किया। करते 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 मेरी दुनिया थी होटल में बजाने वाली, तो सडनली एक कॉन्सर्ट में एक विजय मल्ला करके एक सिंगर हुआ करते थे, बड़ा अच्छा गाते थे, उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई, वो थे, ही वॉज देयर एट द शो, हाँ वो थे, लायंस क्लब का कॉन्सर्ट था और बॉम्बे में एक होटल हुआ करती थी जो अभी उसका नाम आई थिंक अभी चेंज हो गया कुछ, वो शालीमार होटल हुआ करती थी। तो जगजीत अंकल, ये भी बताऊंगा कि अंकल मैंने बोलना उनको कैसे शुरू किया, तो जगजीत अंकल मेंबर थे, लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वो कहीं से ट्रैवल करके आ रहे थे उस समय पर, वो एक ही फ्लाइट चलती थी एयर इंडिया की, इंडियन लाइंस की, तो ही केम फ्रॉम दिल्ली और समवेयर आई डोंट नो, तो जीन्स टी शर्ट पहने हुए है, तो मेरे को तो पता ही नहीं, अभी एक 15 साल का बच्चे को क्या पता होगा कि कौन क्या है। तो उनके एक दोस्त थे नरेंद्र बिल्ला, बहुत बड़े बिल्डर हैं, तो वो बोले कि तुमको पता है तुमको कौन सुन रहा है? मैंने, मेरे को नहीं पता, जगजीत सिंह। अरे मैंने बोला मेरे को आइडिया नहीं कौन है। अच्छा अब क्या हो गया कि वो सिंगर का गला बैठा था, तो जो मेंबर्स थे उन्होंने बोला कि कुछ आप बजाइए, तो उस समय मेरे को जो ठीक लगा मैंने बजा दिया, तो जगजीत अंकल वहां से मेरे को इशारा कर रहे हैं, तेरा हाथ बहुत अच्छा है। हाँ तो मैंने थैंक यू बोला, मैं ऐसे समझ आता जैसे कोई ऑडियंस में होते हैं जो तारीफ करते हैं वैसे, और ही वॉज इन मूड कम्प्लीट एकदम। हाँ तो खत्म हुआ प्रोग्राम, वो विजय मल्ला साहब भी गाए, उनके साथ भी बजाया मैंने। ख़त्म होने के बाद ही केम टू मी एंड ही सेड कि तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है वायलिन का। अच्छा उनके साथ पहले वायलिन बजाते थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब उनके साथ वायलिन बजाते थे पंडित भंवरलाल जी। हाँ तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वायलिन था नहीं उनको, और उनका वायलिन उनका प्रिय इंस्ट्रूमेंट भी है। तो मुझे वो जो उनके एक शोल्डर पे एक बैग लटका हुआ था, वो बैग में से जो केबिन बैगेज का जो टैग होता है ना टैग, वो फाड़ा उन्होंने, वो फाड़ के उस पर अपना नंबर लिखा 8228572, ये उनका लैंडलाइन नंबर था, मुझे अभी भी याद है देखिए, और नीचे नाम लिखा जगजीत सिंह, तो तेरा हाथ बहुत अच्छा है और बहुत मीठा बजाता है। तो मैंने थैंक यू सर, थैंक यू सर बोल रहा था अभी, और क्या बोलेंगे, तो हाँ भी बोला कल फोन करो मुझे, मैंने कल फोन करूंगा। अब मुझे नहीं पता कि किसके लिए फोन करना है, ठीक है कि बाद में वो उस समय हाँ बोल दिया मैंने ठीक है, लेकिन अब किसके लिए फोन करना है कल, वो मेरे को कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ। तो खैर घर आ गया मैं, खत्म हो गई रात गई बात गई, तो दो दिन बाद उनका फोन आया मेरे घर पे लैंडलाइन नंबर पे, तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरे अच्छे मित्र हैं, अच्छा बहुत अच्छा गाते हैं तौसीफ अख्तर, उनके पिताजी से मेरा नंबर लिया उन्होंने और फोन किया और इंक्वायरी भी की मेरे बारे में अख्तर अंकल से, तो बोले हाँ वो शंकर शंभू जी में से, शंभू जी का लड़का है और अच्छा काम कर रहा है। हाँ कल सुना मैंने परसों, तो पीछे तानपुरा चल रहा है
और घंटी बजी और मैंने ही फोन उठाया, तो मैं हेलो, तो बहुत खरज अति खरज में आवाज आती है हेलो ऐसे करके, जो फोन के जो फोन का जो स्पीकर था वो झनझना गया था एकदम, और पीछे तानपुरा चल रहा है, कौन बोल रहा है? मैं दीपक बोल रहा हूँ, तुमने फोन नहीं किया मेरे को परसों? मैंने कौन बोल रहे? मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूँ, मैं सॉरी सर, मैं मतलब याद था मुझे लेकिन किस लिए फोन करना था, तो किस लिए क्या फोन करना है? तुम आओ मोबाइल लेके घर पे आओ आज, मैंने आज तो मेरा कुछ काम है तो कल आओ बोले, मैंने ठीक है मैं आता हूँ, एड्रेस लिखो, मैंने एड्रेस लिखा, पुष्पा मिलन बिल्डिंग फ्लैट नंबर 24 सफाया कॉलेज के बाजू में कैंप्स कॉर्नर जो भी था, हाँ ऐसे कुछ था, वार्डन रोड सॉरी। तो मैं नेक्स्ट डे गया वायलिन लेके मेरा, वहाँ पे अपना रोनू मजुमदार जी, अरशद जी और हरीश वानकर जी जो ढोलक बजाते थे, नारायण जी और संजीव सेन जी जो तबला बजाते थे, और अरशद भाई गिटार बजाते थे, वो चित्रा जी, चित्रा आंटी, जगजीत अंकल सब मौजूद थे। तो मैं पहुंचा, थोड़ा घबराया हुआ भी था, ऐसा माहौल बना हुआ था वहाँ पर सब, तो बोला बैठो बैठो बैठो, तो बैठा मैं, तो बोला कि निकालो अपना वायलिन निकालो, तो ठीक है। अब चित्रा जी से भी मिलाया, आंटी से भी मिला, नमस्ते हाय नमस्ते उसे, अब वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है, बोले देखो कुछ गजलें जो है हमारी उसमें फिक्स म्यूजिक होते हैं, मैंने जी, और कुछ गजलें ऐसी होती है जो उस सुरों का उस शब्दों का मजा लो और अपने हिसाब से बजाओ, अब कहाँ बजाने क्या कुछ पता नहीं जी, अभी पहली बार कोई आ रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि क्या हो रहा है। तो मैं रोनू भाई को देख रहा हूँ, सब मेरे बहुत सीनियर, और अरशद भाई को देख रहा हूँ, इन लोग को देख रहा हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी भी थे संतूर, तो जी जी, तो मैंने निकाला वायलिन, तो बोले कि अपना हम गज़ल का जो प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम शुरू होता है तो वो पहली गज़ल होती है चित्रा जी के साथ, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, दरा ना दरा 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 हमसे अजनबी, वही गज़ल थी, तो इसका सुर है सफ़ेद तीन, ई ई में मैं जी 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 सर सर बोलता था, तो बोले इसमें म्यूजिक फिक्स म्यूजिक है वो लिखो, लिखना आता है? मैंने हाँ नोटेशन आता है मेरे को, तो लिखो। तो मैं पेन और कागज़ लिया और मैं लिखने लगा, तो बोले मैं लिख के देता हूँ तुमको, कैसे लिखते मैं बताता हूँ, मैंने अच्छा ठीक है आप बताइए। तो उन्होंने लिखा दरारी रा 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 रा, ये म्यूजिक था फर्स्ट म्यूजिक, दरारी री 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 दरारी रा 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 तरा दरना दर, अंतरा शुरू होता था फिर ऐसे वो था। तो उन्होंने लिखा, नोट्स लिखे करेक्ट लिखे, सारे गा धा नी धा धा पा गा पा, तो मैंने बोला सर इसको बीट बार एंड बीट पे लिखे ना, तो ऐसे देखने लगे मेरे को, तेरे को आता है? मैंने हाँ मेरे को आता है, तो तू लिख, मैंने ठीक है। तो मैं सारे गा धा गा ऑन द बीट नी धा धा पा धा बीट पे गा रे सा मा सा बी गा रे सा रे सा धा टू वन रे रे सा सा। तो चित्रा आंटी बोलती लड़का होशियार है, हाँ तो लिखा मैंने, फिर बोला हम कुछ हमारे स्किल बहुत चेंज होते हैं, कभी हम ई से गाते हैं, कभी एफ से गाते हैं, कभी जी से गाते हैं, कभी डी से गाते हैं, कभी एफ शार्प से गाते हैं, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं उनको मैंने कहा, बोला नहीं वो पंडित जी भवनलाल जी वो ट्यूनिंग चेंज करते थे ना, और दो आई थिंक दो वायलिन रखते थे शायद जहाँ तक मेरा आइडिया, मैंने बोला नहीं मैं हर स्किल से बजा लेता हूँ, हाँ, और मैंने मतलब बड़ा नॉर्मली बोला, ऐसा नहीं कि अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए, वो नहीं, तो ही वाज सो हैप्पी, बहुत खुश हुए। फिर अंदर गए, 10 मिनट का सेटिंग हुआ होगा मुश्किल से, हाँ 10 मिनट का सेटिंग हुआ होगा, फिर अंदर गए, अंदर जाने के बाद उस समय वो इंडियन लाइन्स का एक वो टिकट जो आती थी ना, बड़ी जैकेट्स होती थी रेड एंड वाइट कलर की, हाँ तो वो मेरे को उन्होंने पकड़ा दी, बोले कल दिल्ली चलना है, वहाँ से परसों मेरठ, फिर वहाँ से अपना कलकत्ता, फिर उधर से चेन्नई मद्रास, फिर वहाँ से जयपुर, फिर ऐसे पूरा उन्होंने एक डेढ़ हफ्ते का प्रोग्राम मेरे को दे दिया,
अरे मैंने बोला सर मैं तो, लेकिन कल मेरा रिकॉर्डिंग है कल से। आई यूज टू प्ले सॉन्ग वायलिन ऑल्सो, सोलो के लिए तो कोई बुलाता नहीं था मेरे को, तो सॉन्ग वायलिन के लिए बुलाते थे, बट वो ज़्यादा मुश्किल काम है। सॉन्ग गाना बजाना इट्स मोर डिफिकल्ट देन प्ले सोलो। तो लेकिन यहाँ पे मेरी जो रिकॉर्डिंग थी नेक्स्ट डे से, वो थी अपना आशित देसाई जी की। बहुत अच्छा गुणी, बहुत ही गुणी कलाकार हैं आशित देसाई जी, और खुद बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, कंपोजर हैं, अरेंजर हैं। तो मैंने बोला मेरी आशित देसाई जी के साथ रिकॉर्डिंग है, जुहू पर स्टूडियो, गिनी स्टूडियो करके था, तो मैं तो वहाँ बिजी हूँ, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा आपके साथ ही दिल्ली, कलकत्ता और ये चेन्नई वगैरह, मद्रास वगैरह। तो कुछ बोले नहीं मुझे, उन्हें उन्होंने आशीष देसाई जी को फोन लगाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि ये हो क्या रहा है। आशीष देसाई जी को फोन लगाया उन्होंने, आई एम श्योर कि जब ये आशीष जी ये देखेंगे हमारा ये जो ये कन्वर्सेशन, तो उनको सब समय का पता याद आएगा। तो बोला हाँ, बोला जो भी बोलते थे आशित बोलते थे या आशित भाई बोलते थे पता नहीं, बोलो तुम्हारे कल जो रिकॉर्डिंग है उसमें वो दीपक वायलिन पे, बोला हाँ वो वायलिन तो बजा, तो उसका तुम एक डेढ़ हफ्ते बाद डब कर लो, ये कल मेरे साथ जाएगा, कल से बाहर है मेरे साथ। तो ही सेड ओके फाइन नो प्रॉब्लम। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आप बुला रहे हो और आपस में आप दोनों बात कर रहे हो, मुझे पूछ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ। हाँ तो खैर बाहर निकलने के बाद फिर मैंने पीसीओ से फोन किया आशीष जी को, फिर बोले नहीं कोई नहीं। फिर मुझे पता चला कि इन लोग का रिश्ता ऐसा था। हाँ फिर सर पहला प्रोग्राम दिल्ली, वही श्री फोर्ट, फेवरेट फेवरेट प्लेस सर हर म्यूजिशियंस की। तो आज मुझे वो बातें सब समझ में आती है सर, उस समय बच्चा था तो नहीं समझ में आती थी, बट आज वो चीजें समझ में आती है। साउंड ऑन बैलेंस हो दीपक गया, सनी 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 ठकराल साहब साउंड बैलेंस को कर रहे थे, तो होने के बाद जगजीत अंकल। अच्छा उससे पहले अरशद भाई यूज टू कॉल हिम जगजीत अंकल, तो मैंने बोला कि अब अरशद भाई तो मेरे से बहुत सीनियर है, तो मैंने बोला कि मैं भी आपको अंकल बोलूँ, बोला हाँ बोलना क्या फर्क पड़ता है, तो तब से मैं जगजीत अंकल ही उनको बोलने लगा। तो खैर वहाँ पहुँचे दिल्ली में, पहुँचने के बाद जब शरीफोर्ड पे साउंड बैलेंस हुआ, और बैलेंस होने के बाद ग्रीन रूम में बैठे हुए थे, तो ऐसे यूज टू स्मोक हाँ लॉट, तो कंधे पे ऐसे हाथ रख के मेरे को बोला कि अपने लिए बजाना, दूसरों को मत देखना कि किसको खराब लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कभी मत करना, खुद को इम्प्रेस करना। और जब खुद को खुशी मिलेगी ना काम करके, अपना म्यूजिक जब तुम खुद इंजॉय करोगे अपना म्यूजिक, तो सामने वाला डेफिनेटली इंजॉय करेगा। तो वो सब मेरे बाउंसर था, सब ऊपर से चला गया मेरे, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। फिर अच्छा हो गया प्रोग्राम, बहुत अच्छा हो गया और ठीक ठाक बजा लिया मैंने उस दिन। फिर उन्होंने आगे पूरे साल भर की डेट्स दे दी। अब इससे पहले की एक जर्नी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कि ये सेम टाइम पे मेरा जो करियर शुरू हुआ था, जो एज प्रोफेशनल जिसको बोलना चाहिए ना, ट्रैवल करना, कॉन्सर्ट्स करना, वो मुझे अनूप जलोटा जी ने शुरू कराया था। अच्छा जी ये किसी को, बहुत कम लोगों को पता है ये बात। उनके साथ मैं करीबन 6-8 बार पूरा वर्ल्ड घूमा हूँ, 1 महीने में 35-36 कॉन्सर्ट होते थे 1 महीने में, एक एक दिन में दो दो कॉन्सर्ट, तीन तीन कॉन्सर्ट। तो वन डे जगजीत जी कॉल्ड अनूप जी, आप अनूप जी को पूछेगा, इज वेरी क्लोज टू, बोले यार ये इसको जब फोन करो तो ये बोलता है मैं, बोले तेरे साथ बिजी रहता है ये, तो इसको छोड़ दे। तो अनूप जी ने बोला ठीक है आज से आपके साथ, अब मैं फोन नहीं करूंगा इनको। तो ये ऐसी चीज शुरू हुई। खैर उससे पहले भी काफी चीज हुई थी, वो मैं आऊंगा बाद में। तो एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे कलाकार आपको बुलाते हैं,
और जगजीत अंकल के साथ जितना मैंने सीखा है, खाली म्यूजिक नहीं, खाली म्यूजिक कुछ नहीं होता, उसके अलावा जो चीज होती है ना वो सीखनी, वो हर दिन सीखते थे, हर किसी ना किसी से बोलते, आप सीखना चाहो ना तो आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो, हर हर किसी की अच्छी चीज लो, हर किसी में कमियां भी है, खामियां भी है, खूबियां भी है, तो वो जो खूबियां हैं वो ग्रैब करो, तो वो अभी कुछ सालों से समझ में आ रही है वो चीज़ें। खैर वो सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी पड़ी, और बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था मैं बचपन में, तो उनको पता था कि ये सिगरेट भी पीता है, बियर भी पीता है, उस समय बियर तक था, तो मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ सर आपको। बिल्कुल। तो एक दिन मेरे रूम में आए, पता नहीं हम आगरा में थे या कहाँ थे, याद नहीं आ रहा, मेरे रूम में आए, आने के बाद बोला यार मेरा सिगरेट खत्म हो गई, तेरे में से एक सिगरेट दे। तो मेरे अंकल मैं तो पीता ही नहीं, बोला तेरे होंठ बता रहे तू पीता है। हाँ, तो बोला देखो जब बच्चे का जूता बाप के जूते में आ जाता है, कुछ ऐसा कुछ उन्हें कहावत बोली थी, तो वो दोस्त हो जाता है। हाँ, तो मैंने बैग में से पैकेट निकाला, उस समय मैं रॉथमैन पीता था, तो मेरे साथ पलंग वो जो सोफा था वहां बैठे वो होटल के रूम में, बोला जला, फिर एक पैक बनाया उन्होंने, हाँ खुद ने भी बनाया मेरे लिए भी बनाया, जो करो सामने करो पीछे छुप के नहीं। वो दिन था सर, और 2011 तक जो हम लोग की जो बॉन्डिंग थी। नहीं तो दीपक, आप क्या रिश्ता, किस तरह का रिश्ता देखते हैं उनसे, एक छोटे भाई की तरह, एक एक पिता पुत्र की तरह, एक दोस्त की तरह, किस तरह का रिश्ता रहा आपका उनके साथ, आप जितने दिन उनके साथ रहे? एक दोस्त, एक पिता, एक मेंटर, एक सच्चा पाक कलाकार, एक आपका छत्र बोलते ना, छत्र ऊपर मेरा हाथ है, कर जो तेरे को करना है, मैं हूँ तेरे साथ, वो हर चीज़ में मतलब मेरे साथ, वो मेरे हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहे, हमेशा। फिर मुझे बहुत सारे चांस दिए उन्होंने एज म्यूजिक अरेंजर अपने एल्बम्स में, करीबन मैंने उनके, मुझे याद ठीक से याद नहीं, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे एल्बम्स किए बतौर म्यूजिक अरेंजर, और वो फुल फ्रीडम के साथ, झगड़े भी बहुत होते थे स्टूडियो में, और अच्छा चित्रा आंटी हमेशा मेरा साइड लेती थी, कि ये कुछ अलग सोच रहा है, तुम वापस घूम फिर के वही तुम उस पर आ जाते हो, थुन चक तुम ऐसा मत करो ना, वो उसको करने दो, लेट हिम डू इट, तो मैं करता था अपने तरीके से, तो खुश भी होते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहा वेस्टर्न आउटर स्टूडियो के बाहर, बोला देखो क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है बताओ, अभी तुम्हारे अंदर जो जोश है ना कि मैं ये भी दिखा दूँ ये भी करके दिखा दूँ, वो नहीं होता अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है कि एक खूबसूरत लड़की है, उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं है, उसको शायद एक बिंदी की जरूरत है, वो म्यूजिक अरेंजमेंट होता है। उसको तुम सोने में लाद दोगे, अपना गोल्डन साड़ी पहना दोगे, ये कर दोगे, तो भद्दा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अरेंजमेंट गाने के मुताबिक होना चाहिए, और वर्ड्स को महसूस करो पहले कि वर्ड्स क्या डिमांड कर रही है, कंपोजिशन का ग्राफ क्या है, उसके हिसाब से म्यूजिक अरेंजमेंट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग उसके अनुसार होना चाहिए, और उसके म्यूजिक फ्रेजेस भी वैसे होने चाहिए। तो उस समय तो मुझे झटका लगा बहुत कि मैं इतनी मेहनत करके लेके आया और ये वो और ये ऐसी बात कर रहे हैं। मेलोडी प्रधान होता है गाना, वो कह रहे मुझे मेलोडी इंपॉर्टेंट होती है, वर्ड्स मेलोडी ये इंपॉर्टेंट होती है, अरेंजमेंट उसका एक खाली एक वो होता है सपोर्टर। तो करते करते धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर जो मेरी जो थोड़ी बहुत जो जबान साफ है वो ऑल बिकॉज ऑफ हिम, जो उर्दू की नॉलेज है या जो गज़ल की जो एक अपनी एक रवायत होती है, अपने अपना एक टेम्परामेंट होता है,
वो उनके साथ की शब्दों का जो कितने मुंह खोलना, कहाँ होंठ खोलना, कहाँ जबान खोलना, या कौन से शब्द पे कहाँ पॉज आना। अब कितने लोग गाते हैं हजारों ख्वाहिशें, हर ख्वाहिश पे दम निकले, वो है हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो के हर ख्वाहिश पे दम निकले ये होता है। तो ये सारी मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये बारीकियां मैंने बहुत 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 सीखी और आज भी सीख रहा हूँ। मैं तो स्टूडेंट हूँ म्यूजिक का, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं कभी गुरु बनने पे मैं कभी बिलीव करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, और मैं जहाँ से हो सकता है मैं सीखता रहता हूँ। मैं फिर अपना मिर्ज़ा गालिब हुआ, वहाँ से गुलजार अंकल साहब से मुलाकात हुई, तभी मैं आई थिंक कुछ 16-17 साल का हूँगा, 18 साल का हूँगा शायद। तो ये जर्नी इतनी प्यारी रही, फिर एक स्टेज ऐसा आया 2005 में कि मैंने जगजीत अंकल को फ़ोन किया और कहा कि अंकल अब मैं नहीं बजाना चाहता, मुझे सिर्फ क्लासिकल पे फोकस करना है, मेरे आई वॉन्टेड टू डू माई मतलब सोलो कॉन्सर्ट्स, वो भी क्लासिकल के। बोला ये सब ऐशो आराम भूलने पड़ेंगे, क्लासिकल कॉन्सर्ट करेगा 5 स्टार नहीं मिलेगी, तुमको मिलेगा गेस्ट हाउस, हाँ ट्रेन मिलेगी, फ्लाइट नहीं मिलेगी, बिजनेस क्लास तो बहुत दूर की बात है, मेरा कोई बात नहीं, मैं नए सिरे से लाइफ शुरू करूंगा, बट मुझे क्लासिकल करना है। तो बोला मेरे साथ बजाना, तेरे को कितना बजाना, मैंने आपके साथ तो बजा ही रहा हूँ मैं, और बोला कितना तो बजाता है मेरे साथ, क्या क्या बजाता रहता है तू, मैं रोकता हूँ क्या तेरे को, मैंने बिल्कुल नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं अंकल मुझे मतलब दो लोग आए वो मेरे लिए हैं, वो सोल्ड आउट होता है शो आपके नाम से, इवनिंग विद जगजीत सिंह, वो आपके नाम से कॉन्सर्ट हर सैटरडे हम जाते थे श्री फोर्ट और वो सोल्ड आउट होता था हमेशा, खाली श्री फोर्ट नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी जगह हो ये बिल्कुल, कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी टिकट्स बिकती हैं, ये नाम अनाउंस हुआ सोल्ड आउट दूसरे दिन, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कोना हो। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल मुझे है ना मुझे सोलो बजाना है बस। बोला तेरे को हो क्या गया, तू तेरी तबीयत ठीक है? तो देन ही कॉल्ड माई वाइफ, मेरी वाइफ को फ़ोन किया लता को और बोला ये क्या पागल जैसी बात कर रहा है। बोला अंकल आप जानो और ये जाने, मैं इनके काम में कभी मैंने इंटरफेयर किया नहीं ना मैं करती हूँ, तो ये दिस इज़ बिटवीन यू एंड हिम। तो वो और चित्रा आंटी घर पर आए, मैंने ही बुलाया था कि घर पे आ जाओ बैठो। तो घर पे आने के बाद हमने एक एक ड्रिंक मारी, फिर उसके बाद जगजीत अंकल हमको खाना खिलाने ले गए, एक घर के बाजू में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था टाइम एंड अगेन वहाँ पर। फिर वो मेरी वाइफ को बोले लता को, इसको बोल कि अमेरिका चले उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बोला अंकल वो तो मैं तो नहीं बोलूँगी, आप ही बोलो। तो बोला तेरा प्रॉब्लम क्या है, तेरे को क्या चाहिए क्या लाइफ में? मैंने मेरे को सब कुछ है आपके आशीर्वाद से, मैं नए सिरे से लाइफ शुरू करना चाहता हूँ, मुझे क्लासिकल बजाना है बस, मुझे संगत नहीं करनी। तो बोला संगत थोड़ी यहाँ पर, वही बात रिपीट हो जो फोन पे हुई थी। मैंने अंकल मुझे है ना सेंटर में बैठना है। तो हंसने लगे बहुत जोर से ऐसे, बोला तू यहाँ बैठ जा मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ। मैंने नहीं ऐसी बात नहीं है, इन द सेंस कि वो आपके कॉन्सर्ट में वो जो सोल्ड आउट होता है कॉन्सर्ट वो आपके नाम से होता है और उसमें मैं हूँ कि चलो दीपक पंडित भी है साथ में, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं होऊंगा तो पब्लिक टिकट नहीं लेगी, सवाल ही नहीं होता, वो आपका कॉन्सर्ट है। मैं चाहता हूँ कि दो लोग आए या 2000 लोग आए वो मेरे नाम से है। तो चित्रा आंटी ने मेरा साइड लिया, बोला ये लड़का सही बोल रहा है उसको करने दे, अपने अपने हिसाब से जीने दे उसको। बोला ठीक है। तो वो एक पॉज लिया मैंने, फिर मैंने मैं अरेंजमेंट करता था काफ़ी लोगों के लिए करता था, तो वो मैंने बंद किया करना, मैं कंप्लीट अपने आप को मैंने सब तरफ से बायकॉट किया और मैं सिर्फ अपना रियाज करता था, अभी भी करता हूँ और जब तक चलता रहेगा सिलसिला करता रहूँगा, रियाज करता रहता था और काम के फ़ोन तो आते रहते थे लेकिन नहीं करता था। 5, 6, 7, 8, 2008 के करीब कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स रिकॉर्डिंग वगैरह जो मेरी खुद की होती थी जिसमें मैं खुद कंपोज कर रहा हूँ वो मैं करता था,
बाकी मैंने तो जो इंडस्ट्री में जो वायलिन बजाना भी था वो भी मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था, कुछ रीजंस थे जो मेरे को ठीक नहीं लगे थे तो मैं नहीं करता था। तो वेला एकदम अकेला मतलब बैठा रहता था मैं, मतलब मेरे मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे घर वालों ने सबने मुझे सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं। खास करके तो मैं, मेरा भाई और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, रियाज करता था खूब और ऐसे करके अपना टाइम पास करता था, रियाज बहुत करता था, बहुत करता था। फिर कुछ कुछ क्लासिकल कॉन्सर्ट्स की इंक्वायरीज आई 2008 के करीब, आई तो वही है कि नारियल और शॉल मिलेगा, आने जाने का भाड़ा मिलेगा और गेस्ट हाउस में रुकना है, जो उन्होंने कहा था वही चीज मैंने मंजूर है, मंजूर है मैंने। लेकिन जब मैं 2.5-3 घंटा बजा के उठा और मैंने देखा कि वो ऑडियंस तो ऑफकोर्स मेरे लिए नहीं थी, वो ऑडियंस तो क्योंकि वो फेस्टिवल था तो फेस्टिवल में जितने कलाकार होते हैं सबके लिए होते हैं लोग, लेकिन पर्टिकुलरली उस स्लॉट पे उतने लोग बैठना, नहीं तो उठ के चले जाते हैं लोग, वो वेट नहीं करते अगर नहीं करना तो। आई थिंक कुछ 1,000-1,500 लोग थे, मैं वो भूल रहा हूँ जगह कहाँ थी, एमपी में समवेयर इन एमपी, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ। एनीवेज तो मेरा सब भूल गया मैं, 5-star होटल स्वीट या बिजनेस क्लास या ये या वो या पैसा, सब भूल गया मैं। वो जो मज़ा था, वो नशा जो था ना, कि बैठ के 2.5-3 घंटा बजाना और वो लोग आपको सुन रहे हैं सिर्फ, वो नशा, उस नशे में मैं पूरी जिंदगी रह सकता हूँ। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि जब जगजीत अंकल के आइटनरीज जाती थी ऑर्गेनाइजर्स के पास, तो वो ऑर्गेनाइजर बोलते थे कि इसमें तो दीपक पंडित का नाम नहीं है। एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने, चौथे ने किसी ने बोला उसका दिन खराब होगा उस दिन, बोला तुमको दीपक पंडित का शो करना है मेरा करना है। अच्छा, मेरे को खुद बताते भी थे फोन करके, तो बोला नहीं नहीं सर आपका ही वो कॉन्सर्ट तो आपका है, लेकिन वो साथ में होते तो बहुत मजा आता है। हाँ तो बोला मजा आता है तो उसको कर लो, सोलो कर लो उसका, वो अभी नहीं बजाता वो। ऐसे करके उन्होंने फोन रख दिया। फिर वो ऑर्गेनाइजर का वापस से फोन आया उनके पास, बोला नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो जगजीत अंकल ने वो ऑर्गेनाइजर को कहा कि आप उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो एक होता है ना कि आपको कोई डायरेक्ट फोन करता है तो आपको आपका सीना चौड़ा हो जाता है, वो मेरी बदतमीजी थी एक्चुअली, और वो मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके आपके चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला ऐसे ऐसे जज्जी जी का कॉन्सर्ट रखा है हमने और हम चाहते हैं कि आप उनके साथ बजाएं। तो मैंने बोला तो वो फ़ोन करेंगे ना, बोला नहीं हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपने अभी कुछ अर्से से नहीं बजा रहे आप उनके साथ। मैंने हाँ, मैं मेरे सोलो कॉन्सर्ट्स के लिए या मेरे क्लासिकल के लिए मैं फोकस हूँ और उस पर ध्यान दे रहा हूँ, नहीं तो बोला कि आप ये कॉन्सर्ट कर लीजिए ना। अब क्या होता है ना कि सर मैं भी इंसान हूँ और गलती इंसान से ही होती है, और मैंने बोला ठीक है आप पेमेंट वगैरह क्या करेंगे, तो बोला आप बताइए। मैंने कुछ एक्स वाई जेड अमाउंट बोला एंड दे एग्रीड, एंड देन आई सेड कि आई नीड वन ये बिजनेस क्लास टिकट और आई नीड वन सेपरेट रूम, स्मोकिंग रूम। बोला फाइन, हो गया सर। हालांकि मैं इस बात के बाद एक और बात बताऊंगा, हालांकि अपना गए एयरपोर्ट पहुंचे, अब मैं कॉन्सर्ट किसका बजा किनका बजाने जा रहा हूँ, जगजीत अंकल का, लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजर ने बुक किया। तो ऐसा एक दो चीज हुई थी। तो व्हेन आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम फ्लाइट के अंदर, मजे तो ले रहे हम लोग, मस्ती कर रहे सब कुछ, लेकिन मुझे बड़ा ऑड लग रहा था कि मेरी औकात नहीं है इनके पास बैठने की, मेरी औकात नहीं है इस तरह से बैठने की, औकात नहीं है। मैं जाके पीछे मेरी टीम के साथ बैठा, जावेद ढोलक बजाते थे, बहुत गुणी खानदान से थे, अभी नहीं रहे वो, बहुत यंग था वो लड़का, गुलाम मोहम्मद साहब के ग्रैंडसन, पाकीज़ा फिल्म में जिनका म्यूजिक था जी, जी वो जी। थे अभिनव जी थे, काफ़ी सारे हमारी टीम के थे। प्रोग्राम हो गया सर वो, लेकिन दिल में मेरे बड़ा मलाल रहा कि
कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जैसे मैं जाता आता रहा हूँ हमेशा वैसे ही जाना चाहिए था मुझे। खैर वो उसके बाद जब आते थे लोगों के फ़ोन तो मैं मना कर देता था, मैंने नहीं मेरे को आना होगा तो जगजीत जी को अंकल को मैं खुद बात कर लूँगा और वैसे आऊँगा, ऐसे डायरेक्ट मेरे को अप्रोच मत करिए। तो वो चैप्टर क्लोज हुआ। फिर अपना उनका जो अधिकार और एक जो दादागिरी, दोनों चीज़ बोल सकते हैं आप, बोले कि अमेरिका टूर है, तो मैंने बोला नहीं अंकल अमेरिका तो नहीं जाऊँगा मैं। बोला क्यों नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम? मैंने बहुत प्रॉब्लम है, एक तो आपके कॉन्सर्ट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, यहाँ पे तय होते हैं कि अपना 12 कॉन्सर्ट होंगे, वहाँ जाके 24 कॉन्सर्ट हो जाते हैं, तो एक दिन भी आराम नहीं मिलता, ट्रैवलिंग, स्टेज, फ्लाइट, एयरपोर्ट, स्टेज, होटल में चेक इन करते हैं लेकिन नाम के लिए चेक इन करते हैं, लेट बैठने तक का मौका नहीं मिलता होटल। उसके बाद सबसे इरिटेटिंग क्या होता था कि वो किसी के होटल में खाना खाने जाओ कॉन्सर्ट के बाद, और वो खाना खाने में फिर वो दारू भी पियो, फिर उसके बाद वो रात पूरी काली हो, फिर उसके बाद अपना उसमें एक आदमी ऐसा होता था उनका जो हमेशा होता था, जो आज भी होता है वो, कि वो रास्ता भूलता था, फिर एक एग्जिट मिस कर लिया तो आपका 1.5 घंटा वैसे खराब हो गया, ये हमेशा होता है। तो ये सारी चीज़ें, फिर मेरे को कपड़े प्रेस करने नहीं आते, अभी तो सीख गया मैं लेकिन उस समय नहीं आते थे। तो बोले और क्या प्रॉब्लम है तेरी, मैंने और अपना खाना खाने किसी के यहाँ नहीं जाऊँगा, और कपड़े प्रेस करने, और मैंने और अपना जितने कॉन्सर्ट्स का कमिटमेंट है हाँ उतने ही करो, उसके ऊपर करोगे तो मैं इंडिया आ जाऊँगा, और कसिनो, मैंने कसिनो तो चलेंगे, कसिनो का हम दोनों का कॉमन एक फैक्टर है लाइफ में। तो खुद मेरे कपड़े प्रेस करते थे, और वहाँ सच बता रहा हूँ मैं, मेरे कपड़े, अभिनव जी के कपड़े खुद वो आयरन करते थे कितनी हजारों बार। और उसके बाद अपना वो चीज़ें बंद किए, लेट नाइट पार्टीज और ये वो, हाँ जिस दिन खाली दिन है उस दिन रात को बैठ गए ठीक है, बट वो वापस सुबह 6 बजे लॉबी में मिलो, फिर वो 8 बजे की फ्लाइट है ये, फिर वहाँ पे टाइम डिफरेंस, फिर सीधा साउंड चेक, फिर कॉन्सर्ट, फिर अगले सिटी के लिए निकलो आप वहाँ पे, क्योंकि अभी 2 महीने में कितने 60 दिन होते हैं ना, 2 महीने में तो करेक्ट 60 दिन में आप 42-45 कॉन्सर्ट करोगे कैसे चलेगा? तो ये सब हुआ है, सब ये दौर देखा है हमने। फिर उसके बाद मैंने बोला अब भी नहीं, आप मेरे को चाहिए बांग्लादेश, मेरे को आप ले जाओ 1 महीने के लिए चलेगा, अमेरिका नहीं, आपके साथ अमेरिका नहीं, वो बढ़ता रहता है। मैं वापस आया हूँ कई बार, टूर छोड़ के वापस आया हूँ कई बार। हाँ मैं मतलब क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि आपने लता जी का कार्यक्रम भी एक बार ऐसे ही बीच में छोड़ा, आप अनूप जलोटा साहब का कार्यक्रम छोड़ा, मेहदी हसन साहब का छोड़ा, तो और चूंकि आप इतनी ईमानदारी से अपनी गलतियों पर भी मतलब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये मेरी गलती थी और ये मेरी अकड़ वो था या ये मेरी औकात नहीं थी, आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मेरी हिम्मत हो रही है पूछने की, वरना शायद मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन मेरी हिम्मत हो रही कि क्या वजह थी कि लता जी का, मेहदी हसन साहब का, अनूप जलोटा जी, ऐसे लोगों का साथ छोड़ने की वजह क्या थी, दीपक पंडित ने ये रिश्ते क्यों तोड़े? नहीं रिश्ता किसी से नहीं टूटा है, रिश्ता किसी से नहीं टूटा है, वो हर एक फ्रेज होता है लाइफ का। जी जी अभी आई वॉज किड एट दैट टाइम, तो जगजीत अंकल के पास संजीव कोहली जी का फोन आया था, मदन मोहन जी के साहबजादे, बोले कि लता दीदी का कॉन्सर्ट है दिल्ली में। मैं उस समय मेरे ख्याल से कुछ 20-21 साल का हूँगा, तो बोले लता जी का कॉन्सर्ट है दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, और वो मेरे लिए चाहते हैं कि मैं वायलिन में बजाऊं, और उस कॉन्सर्ट में सिर्फ 3 ही लोग थे, 3 ही लोग मतलब म्यूजिशियन 3 ही थे, मैं था वायलिन पे, सोलो वायलिन पे, सुराज साठे अकॉर्डियन बजाते थे वो थे, और अनिल मोहली जी उनका सब अरेंज वही करते थे, म्यूजिक अरेंज लता जी का सारा एंड तक उन्होंने किया है, वो करते थे, वो ही वॉज ऑन वाइब्रोफोन। अच्छा तो जी, और उस समय इफ आई एम नॉट रॉन्ग या आई एम श्योर, उस समय लता जी को हैंडल करते थे कुट्टी साहब, जो बाद में गुलजार साहब को मैनेज करते थे। तो मैंने जगजीत अंकल को बोला ठीक है मैं चला, तो दिल्ली में था कॉन्सर्ट,
तो बोला तू चला जा, ठीक है, हो गई बात, हो गई रिहर्सल भी हो गई। लता दीदी तो नहीं थी रिहर्सल में, अनिल मोहली जी थे, अब तो इस दुनिया में वो भी नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत ही विद्वान अरेंजर म्यूजिशियन थे। तो रिहर्सल हो गई तो सारा कुछ लिखा हुआ था और उसमें रिदम वगैरह नहीं थी, बस वायलिन था, एकॉर्डियन और वाइब्रोफोन। तो हम पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली पहुंचने के बाद अब मेरा क्या था कि जगजीत अंकल के साथ ट्रैवल इतना किया ना, तो वो सारी चीजें जो थी ना उस मुताबिक नहीं होती थी, तो बड़ा अजीब लगता था, समझ आप। तो चलो वो मैनेज कर ले मैंने, ठीक है, इट्स मैटर ऑफ वन डे, क्या फर्क पड़ता है। और इतनी हमारी सरस्वती माँ है तो उनके साथ बजाने का अवसर मिला है, ये माइंड मेकअप करके मैं गया। फिर जब हम स्टेडियम पहुंच रहे थे तो उससे पहले शो के कॉन्सर्ट से पहले तो 40,000 लोग थे करीबन कुछ, मुझे अनिल मोहली जी ने, मैं उनके साथ रूम शेयर कर रहा था, मुझे उन्होंने कपड़े दिए, कपड़े बोले ये यूनिफॉर्म है, ये आपको पहनना पड़ेगा, वाइट कुर्ता पजामा। तो आप मेरे से ना मतलब प्यार से कुछ भी करा लो मैं जान दे दूंगा, लेकिन एक होता ना कि ये कंपलसरी है, ये करना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट जाता हूं मैं। फिर ये मेरा नेचर है, ये बदतमीजी भी कह सकते हैं इसको आप, और जो भी समझे, लेकिन ये मेरा नेचर है। तो मैंने नहीं, यूनिफॉर्म तो मैं स्कूल में पहनता था, स्कूल छोड़े मेरे को टाइम हो गया, मैंने उनको बस्ती में कहा, बोला नहीं ये तो पहनना पड़ेगा, तो मैंने नहीं मैं यूनिफॉर्म तो नहीं पहनूंगा। और उस समय वो दो ही फ्लाइट होती थी बॉम्बे दिल्ली की, सुबह एक शाम की, वही आती थी वापस। तो मैं शाम की फ्लाइट से वापस आ गया बॉम्बे, मैंने नहीं किया कॉन्सर्ट। और उसका जो उस समय जो भी खर्चा था वो मैंने पे किया। देन आई रियलाइज कि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, कि मैंने, ठीक है जो भी मेरे प्रिंसिपल्स हैं या मेरे उसूल हैं, लेकिन आप एक सर्टन एज के बाद आपको पता चलता है कि आपने लाइफ में क्या मिस्टेक्स की। लता जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, माँ सरस्वती हैं वो, और उन्होंने तो मेरा एल्बम लॉन्च किया है कुछ 4-8 साल पहले। वो मेरे भाई हैं, मयूरेश भाई, बड़े ही गुणी इंसान हैं, तो उनके जरिए से वो चीज़ हुई। और एक बार जब मैंने सोनू निगम जी का जो एक एल्बम किया था क्लासिकली माइल, तो उनका खुद का फ़ोन आया मुझे कि तुमको गाना चाहिए, तुम गाते बहुत अच्छा हो, मैं तुम्हारा NDTV पे देख रही हूँ और बहुत अच्छा गा रहे हो तुम। उन्होंने मयूरेश को भी फ़ोन किया था, मयूरेश जी को भी, मुझे भी, खैर वो मैं बाद में आऊँगा उस बात पर। तो मैं आ गया सर बॉम्बे, फिर मैंने जगजीत अंकल को बोला, अंकल ऐसा ऐसा था इसलिए आ गया। तो वो हंसते थे मेरी बात, वो कुछ बोलते रिएक्ट नहीं करते थे, बोला ठीक है चलो हो गया, जो हो गया आगे का सोचो, चलो ठीक है, मैंने ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी। और मेहदी साहब के साथ ये हुआ था सर कि हम तो बचपन से मुरीद हैं उनके और ज़िंदगी भर रहेंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि मेरा जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरी औकात है या जितना मैंने म्यूज़िक सीखा है, तो उसमें जो मुझे आता है वो मैं 100% करने की कोशिश करता हूँ, मेरा बेस्ट। तो एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, लंदन की कोई कंपनी थी, मैं नाम भूल गया, मैं अरेंज कर रहा था और मेहदी हसन साहब गा रहे थे। ये हरिहरन साहब के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग चल रही थी, बीट स्टूडियो ताड़देव साउथ बॉम्बे में, एयर कंडीशन मार्केट के पास में। तो और मेरे दो प्रोजेक्ट चल रहे थे यहाँ पे, एक कविता कृष्णमूर्ति जी का चल रहा था मेरा एक प्रोजेक्ट, और एक मेरा मेहदी हसन साहब का चल रहा था। तो डब करने आए खान साहब, मेहदी साहब आए डब स्टूडियो आए डब करने, तो डबिंग हुई ठीक ठाक, हो अच्छी हो गई डबिंग। तो मैंने बोला कि खान साहब थोड़ा सा, कभी सर बोलता था, कभी अंकल बोलता था, कभी खान साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूँ मैं, थोड़ा वो लाइन करेक्शन कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ लगेगी। तो क्या होता था, वो रेडी थे करने के लिए,
हाँ, क्योंकि मैं अरेंज कर रहा हूँ, और खैर वो मेरी तो कोई विसाद या कोई औकात ही नहीं है कि मैं उनको बोलूं कि वापस से डब कर दीजिए, लेकिन मैं उस एल्बम को अरेंज कर रहा था, तो उन्होंने पूछा ठीक हो गया, अच्छा हो गया, मैंने बहुत अच्छा हो गया एक जगह पे, वो थोड़ा वर्ड्स और ये, और थोड़ा उस समय अंटारेस वगैरह होता नहीं था, मेलोडाइन वगैरह ये सब होता नहीं था, तो उनके साथ कुछ और लोग थे, उनके शागिर्द नहीं, लेकिन वो बोलते ना कि चेले चपाटे, चाय 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 से गर्म केटली होती है, अरे खान साहब ने एक बार डब कर दिया, वो थोड़ी डब करेंगे दूसरी बार। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो वो लोग चले गए स्टूडियो से, स्टूडियो से चले गए, तो मैं अपना मेरा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने जो शुरू किया था वो उस पर काम करना शुरू कर दिया मैंने। रात करीबन 10 साढ़े 10 बज रहे थे, मुझे बराबर याद है कि मैं जयंती गोशर जी, बड़े अच्छे गिटारिस्ट हैं, बहुत विद्वान म्यूजिशियन हैं, उनका गिटार डब कर रहा था, और उस प्रोजेक्ट में मेरा बड़ा मेरा सौभाग्य है कि भूपी अंकल, भूपी जी ने, भूपेंद्र सिंह जी ने बेस गिटार बजाया था मेरे प्यार के लिए। जी, तो मैं वो काम पे लग गया, और वो जो लंदन की जो प्रोड्यूसर थी वो शिवाज डिगल लेके आई थी, तो वो खोल ली थी मैंने। हाँ, तो वो भी चल रहा माहौल, इतने में आधे घंटे हो गए थे मेरे को मेरा दूसरा काम शुरू करते हुए, तो खान साहब आए और उनके साथ उनकी वो पूरी गैंग भी आई, सर बोला वो मैं फिर से पूरा गाना डब करूंगा। तो मैंने बड़े हाथ जोड़ के उनको बोला, मैंने खान साहब अभी ऐसा है, मैं इस जोन से निकल गया हूँ, अभी मैं एक दूसरे जोन में आ गया हूँ, और अभी मेरा एक सेट ऑफ माइंड अलग हो गया है, तो आप परसों परसों कर लीजिए डब, क्योंकि कल भी मैं बिजी हूँ, तो परसों कर लीजिए। बोला अरे मैं बोल रहा हूँ आज करने के लिए, अभी करने के लिए, तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता आपको, जब मैंने उस समय इतने प्यार से बोला तो आपने तो कुछ बोला ही नहीं मुझे, आपके साथ जितने लोग आए वो बोलने के, खासा एक बार डब कर देते तो उसके बाद दूसरी बार डब नहीं करते, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, और मेरा ग्लास व्लास रखा होता वो देख रहे थे। सर मैंने वो उनका नामंजूर किया, ये जो था उन्होंने मुझे बोला था कि डब कर लेता हूँ फिर से, मैंने अभी मैं दूसरा काम शुरू कर रहा हूँ और अभी नहीं जा पाऊंगा मैं, क्योंकि वो मिजाज अलग है, ये मूड अलग है, वो मैं मिक्स मैच नहीं करना चाहता। तो ही वॉज वेरी एंग्री विथ मी, बहुत ही वॉज अपसेट विथ मी। उससे 4 दिन पहले क्या हुआ था, उसी उसी दौरान में, उससे एक हफ्ते पहले एक कंपनी हुआ करती थी वेस्टर्न म्यूजिक, आई थिंक उनके जो ओनर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके ओनर का नाम था ज्ञान वाचानी जी, उन्होंने, वो थे या कोई और थे मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक कॉन्सर्ट रखा था मेहरी साहब का जुहू होटल पे, और मुझे कहा गया था कि तुमको वायलिन बजाना है खान साहब के साथ, तो ये एक मेरे लिए एक बड़ी मतलब प्रेस्टीज की बात है कि मैं खान साहब के साथ बजाऊं। मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड, तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा जू होटल, तो खान साहब खान साहब खान साहब, पूरी दुनिया उनको घेरी हुई, सब मैं पैर छुए मैंने, तो उन्होंने देखा ही नहीं, ठीक है उनको हजारों लोग घेरे थे, तो मैंने चलो कोई नहीं, तो फिर जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने भी मिलाया, बोला बहुत अच्छा बजाता है, दीपक नाम है इसका, और ये आज वायलिन बजा रहा है, अच्छा, ठीक है, तो चलो आई वॉज ओके। और ये जगजीत भाई के साथ भी बजाते हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन कराया मेरा। हाँ, तो मेरी आदत थी कि मैं सिंगर जगजीत अंकल के साथ जैसे मैं बैठता था, वो सेंटर में तो मैं उनके लेफ्ट में, तो वैसे मैंने अपना प्लेसमेंट कर लिया वायलिन खोल के, तो वायलिन खोल ली मैंने, तो साउंड ऑन बैलेंस हो रहा था, ऑडियंस बैठी हुई सारी, हाँ वो प्राइवेट टाइप का ही प्रोग्राम था, ऑडियंस बैठी हुई सारी, तो मुझे बोले आप पीछे बैठिए, तो मैंने बोला पीछे कहाँ, बोला हाँ मेरे पीछे बैठिए, तो मैंने आपके पीछे इतना बड़ा स्टेज खाली पड़ा है, आपको देख पाऊंगा, आई कांटेक्ट रहेगा, नहीं आप पीछे बैठिए, तो मैंने बोला मैं बैठता ही नहीं हूँ, मैं जाता हूँ, और मैंने बोला माफी चाहता हूँ
कि मैं आपके साथ संगत नहीं कर पाया, उसके लिए ना मुझे करना है, और मैंने वायलिन पैक किया और मैं जाने लगा तो उनके लड़के, मैं नाम भूल गया, कामरान या क्या, वो आए। अरे नहीं नहीं, पिताजी का वो मतलब नहीं था। मैंने पिताजी का मतलब वही था, मैं चार बार सुना, उन्होंने बोला पीछे बैठिए, हमारे यहाँ पे पीछे बैठ रहे, आगे नहीं बैठते कोई, तो वो तरीका मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं उठ के चला गया, मैंने नहीं बजाया। उसके बाद जो स्टूडियो में हुआ वो हुआ, बट अगेन मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक ये चीज़ कन्फेस करता हूँ, ऐसी हस्तियाँ, ये इनको मैं युग पुरुष कहता हूँ, इनके पीछे क्या, इनके इनके अगर चरण का धूल भी पियो, पानी डाल के इनके चरण की जो बोना चाहिए ना, धूल भी हम उठा लें तो हम नसीब वाले। लेकिन वो एक टाइम था कि मैं भी बच्चा था और छोटी चीज़ पे इरिटेट हो जाता था, और ये सब चीज़ों का आदि नहीं था मैं, ना आज भी नहीं हूँ मैं, लेकिन अब फर्क पता चलता है कि वो कैसी हस्ती हैं जिनको सुन के हम बड़े हुए हैं, जिनको जिनके हम फॉलोअर्स हैं, जिनको हम लोग अपना आदर्श मानते हैं। तो ये दो जगह मिस्टेक बड़ी हुई, और अनूप जी के साथ तो मेरा करियर शुरू हुआ है। ये चीज़ आई थिंक अनूप जी को भी नहीं पता, हम लोग लंदन में थे, और मैं सर मेरी एक आदत, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं दिन को दिन ही कहता हूँ और रात को रात ही कहता हूँ। वो अगर कोई भी हो मतलब कोई भी हो, तो लंदन टूर चल रहा था, तब अनूप जी को हैंडल करते थे, उनके मैनेजर थे और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, सरदार जी हैं, उनका नाम है कुक्कू सिंह। कुक्कू तो एक कॉन्सर्ट में, मुझे याद नहीं कहाँ था वो, एक कॉन्सर्ट में चमनलाल चमन जी वो ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने गाना लिखा है सोन दा महीना, वो उन्होंने लिखा है, वो एक कॉन्सर्ट के जो ऑर्गेनाइजर थे, वो उन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था अनूप जी का, अनूप भाई साहब का। तो किसी रीजन से अनूप जी कुछ लेट हो गए थे वहाँ कॉन्सर्ट में पहुँचने से, और हम लोग स्टेज पे ही थे। अब अनूप जी नहीं है तो हम लोग स्टेज पे बैठ के कोई मतलब नहीं ना, हमारा स्टेज पे बैठना कोई मतलब नहीं, तो हम लोग स्टेज से अपना इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ट्यून व्यून करके, बैलेंस करके नीचे आ गए। तो वो माइक पे कह रहे हैं, कौन, चमनलाल चमन जी, कि ये इंडिया नहीं है, यहाँ टाइम की कदर करना चाहिए, यहाँ पे ये होता है, यहाँ डिसिप्लिन होता है, ये लंदन है, ये है, ये वो है, आप लोग आते गए हो लेकिन आपको यहाँ के वो मैनर्स और मैनरिज्म और ये नहीं पता कि आपको टाइम की कदर नहीं है, ये नहीं है। अब आप जो है वो किसको सुना रहे हो, मुझे सुना रहे हो या अनूप जी तो है नहीं वहाँ पर, तो किसको सुना रहे हो आप, म्यूजिशियंस को ही सुना रहे हो ना। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अखर गई, मैं उनके पास गया, तब तक अनूप जी आ गए, अनूप जी आते के साथ ही वो वेलकम टू अनूप जलोटा जी, ये वो सब कुछ। तो वो शो मैंने बजाया क्योंकि वो कमिटमेंट था मेरा। शो के बाद मैंने उनको कहा, चमनलाल जी को, मैंने, आप भी तो हिंदुस्तानी हो, आप इंडियन नहीं हो, आप भी इंडियन हो ना, आप भी पंजाबी हो ना, इंडियन ही हो ना, आपको ये कहते हुए ठीक लगा इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि ये इंडिया से तो आ गए लेकिन इनको यहाँ के कायदे कानून और टाइम की वैल्यू नहीं, ये नहीं है। मैंने बोला आपने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई कि ऐसे इंसान के साथ कोसों दूर रहना चाहिए। आगे भी उनके कुछ थे कंसर्ट थे, मैंने कुक्कू जी को बोला कि भैया अभी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मैं आज ही रात को इंडिया बॉम्बे वापस जाऊँगा। उन्होंने समझाया मुझे, अनूप जी को आज तक की बात नहीं पता, ट्रस्ट मी, कुक्कू जी को पता है। टिकट पासपोर्ट हमेशा मैं मेरे पास रखता था, हमेशा, आज भी रखता हूँ, कब मेरा मूड चेंज हो रहा है मेरे को ही पता होता है। तो मैं, हमारे कॉमन फ्रेंड, मतलब फ्रेंड तो बड़े हैं लेकिन एक दोस्तों की तरह थे, दीपक खजांची जी, तो उनकी मिसेज वो ब्रिटिश एयरवेज में थी उस समय, तो उनको मैं मामा बोलता था प्यार से, मैं मामा मेरे को जाना है, मेरा टिकट कन्फर्म करा दो। बोला ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ को बोल दिया कराया, मैं टैक्सी पकड़ी, कपड़े भी नहीं चेंज किए, टैक्सी पकड़ी, हीथरो एयरपोर्ट पहुंचा,
फ्लाइट में बैठा आ गया। ऐसे मैंने जगजीत अंकल के साथ भी किया है, बट वो मेरी गलतियां हैं लाइफ की, कि उनके कारण मैं इनको क्यों, इनसे क्यों वो चीज़ करूँ। लेकिन ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक था उस समय, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, लेकिन दीपक भाई, ये तीनों चारों जो आपने वजहें बताई, इनमें से कोई वजह ऐसी अतार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। क्योंकि अगर आप बेशक किसी के साथ आप कंपनी के साथ संगत कर रहे हैं, लेकिन आपके और आप एक घरानेदार कला उससे आते हैं, तो इसमें कोई बात अतार्किक नहीं लगती। इसलिए अगर आप में कोई मन पे आज बोझ हो, तो आप वो बोझ उतार सकते हैं। अगर जितने लोग इस इंटरव्यू को सुनेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई आपके व्यवहार पर उंगली उठाएगा। आपके हर फैसले के पीछे एक बहुत वैलिड वजह मुझे लगती है कम से कम। हालांकि ये शायद जो इंटरव्यू लोग सुनेंगे तो वो शायद ज्यादा बेहतर जज करें, लेकिन मैं भी शायद आपकी जगह पर होता या कोई भी एक कलाकार होता तो मैं तो बताए जज करे या नहीं करे, मेरे तो जो दिल में है मैं आज सारी चीजें उगल रहा हूँ, सब शेयर कर रहा हूँ। जिसको जो सोचना है सोचे। मैं सबके बहुत इज्जत करता हूँ, सबको मैं पैरों को हाथ लगाता हूँ, और मैं खुद बहुत छोटा हूँ, हर किसी से मैं सबसे बहुत छोटा हूँ हर चीज़ में। लेकिन मैं आई कैन नॉट गो अगेंस्ट माई लॉ एंड माई प्रिंसिपल, ये मेरा एक फंडा है, मैं अपने आप को भी नहीं बख्शता। एक चीज और आपको बताता हूँ मैं, यही उस समय की बात है जब मैं होटल का दौर मेरा खत्म हुआ था और मैं जगजीत अंकल के साथ बजा रहा था। तो दिल्ली में एक होटल है ललित, अभी पहले उसका नाम हॉलीडे हुआ करता था, अभी ललित है। तो मैं नाम नहीं लूंगा बट आप समझ जाएंगे, एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था। और जितनी हिंदुस्तान में ज्यादातर 80% इंडिया में जितनी फाइव स्टार होटल्स हैं, उसके जो नल वगैरह होते हैं ना, शावर नल और सब, उनके ओनर थे जिन्होंने कॉन्सर्ट को प्रोग्राम अरेंज किया था। जगजीत अंकल के बहुत क्लोज मित्र, बहुत ही क्लोज, तो दोस्ती में हो जाता है ना कभी कभी कि चलो यार बोला कर देते हैं। तो मैं भी बजा रहा था, पहुंचे ऊपर होटल, नीचे लॉन में प्रोग्राम था, कॉन्सर्ट था, तो सब दारू वारू पी रहे थे। दारू पियो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है प्राइवेट प्रोग्राम है और सब दोस्त तैयारी है, अंकल के जगजीत अंकल के सारे दोस्त तैयारी थे। बट वो दारू स्टेज पे जब गिरने लगी तो मैंने वायलिन पैक किया, मेरा वायलिन पैक किया मैंने, पैक करके मैंने जगजीत अंकल को भी नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा, पैक करके मैं सीधा मेरे रूम में वायलिन लेके चला गया। 3-4 घंटे बाद मैं अपने रूम में टीवी भी देख रहा, सॉरी, खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, फोन ऑन करने थे वो किया, सारा काम अपने पड़ गया। कुछ 3-4 घंटे बाद अंकल का मेरे रूम में फोन आया, जगजीत अंकल का, हाँ भाई क्या कर रहे हो? मैंने बस अंकल सोने की तैयारी, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, आज तो तुमने बहुत कमाल का बजाया। मैंने बजाया नहीं था ना, मैं पैक करके चला गया था, समझ गया, तो छेड़ तंज में बोल रहे, आज तो तुमने बहुत आज तो तुमने बड़ा कमाल का बजाया। मैंने अंकल बस आज बज गया कमाल का, ऐसा हर दिन नहीं बजता, मैं आता हूँ रूम में। मैंने आइए प्लीज आइए, रूम में आए, बोला तुमने आज क्या किया, तुम पैक करके चले गए स्टेज पर, स्टेज से। अंकल ये मेरी जिंदगी है, माँ सरस्वती है, वायलिन खाली वायलिन नहीं है, ये साज है, और जो भी थोड़ा बहुत हूँ इसके बदौलत हूँ, हारमोनियम या तबला या ढोलक या सिंथेसाइजर या वायलिन या गिटार, ये सब, इस सब में सरस्वती है। बिल्कुल। और उस पे दारू गिरे अगर पियो, मैं पीने के लिए नहीं मना कर रहा, वो नाचते नाचते दारू गिर रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अच्छा, मैंने अंकल एक चीज बोलूं आपको, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं दोस्ती यारी मत निभाओ, आप दोस्ती यारी निभाओ अलग ढंग से, हेल्प कर दो जो भी, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम मत करो। करते नहीं थे वो, कभी नहीं करते थे, मैंने इस तरह के प्रोग्राम मत करा करो। कुछ बोले नहीं मेरे को, हंसने लगे, जैसे हो वैसे रहना जिंदगी भर मेरे को बोलते हैं। मैंने जरूर, उन्होंने कभी नहीं किया प्राइवेट महफिल, कभी नहीं किया, उसके बाद कभी नहीं किया।
तो आपको आपको दीपक भाई आपको लगता है कि आपकी जितनी शिकायतें होती थी जगजीत सिंह साहब से या जो जो भी आपने अपनी बात रखी, उन्होंने आपको ये स्पेस भी दिया हमेशा कि आप अपनी बात रख सके और आपकी बात को जहां भी उन्हें सही लगा उन्होंने माना भी। वो बहुत आसान था, वो कह सकते थे, हो सकता है आप जितना गुणी वायलिन वादक उनको नहीं मिलता, दूसरा मिल जाता, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा आपकी कला की कद्र की। यहाँ वायलिन की बात ही नहीं हो रही सर जी, यहाँ बात हो रही है प्रिंसिपल की, एटिकेट्स की, मैनर्स की, और अपना जो एक सबसे बड़ी चीज संगीत की, तो उसके ऊपर तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं है। वो सा को अगर बोलेगा कि नहीं बोलो तो मैं कभी मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो वो था एक रिश्ता, और एक सर एक अजीब सा एक रिश्ता था हम दोनों का, अजीब सा रिश्ता था। बहुत झगड़ा हुआ, कुछ कुछ टूर्स ऐसे हुए हैं जिसमें महीनों महीनों भर हमने बात नहीं की एक दूसरे से, और स्टेज शेयर कर रहे हैं साथ में, वो भी हुआ है, सब कुछ काफी कुछ हुआ है। मतलब क्या बताऊं सर, अगर मैं डे वन से लेकर के 2011 तक कभी पैसे की बात नहीं हुई, कभी नहीं। और अगर कसीनो का हिसाब करूं मैं तो करोड़ों में इतना हारा हूं मैं, और वो खेलने देते थे, खुद मेरे साथ खुद भी खेलते थे, उनकी बायोग्राफी में भी है मेरा इसी, तो मैंने 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 जो बोला है। तो वो रिश्ता था नहीं सर हमारा, एक म्यूजिशियन एक सिंगर का रिश्ता नहीं था, एक दोस्त मेंटर बाप भाई सुख दुख का साथी, और चित्रा आंटी भी वैसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे याद है मेरा स्लिप डिस्क हुआ था तो रात रात भर जगती थी वो मेरे लिए टूर पे। तो जो अच्छी चीज है वो हमेशा याद रखनी चाहिए लोगों की, और ये तो मेरा सपने में आते हैं अभी, सपने में आते हैं अभी जगजीत सिंह कभी कभी? सपने में क्या, वो डेली साथ ही रहते मेरे, एवरी डे ही वो ही, मैं उनके आगे वाज कभी नहीं लगाता, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज देयर विद मी, ट्रस्ट मी। तो अभी वो क्या सिखाते हैं, अभी वो उन्होंने डांटना वाटना शुरू किया है या अभी भी आप लोग का हंसी मजाक ही चलता रहता है? सर क्या बताऊं आपको, मैं लास्ट गजल जब चलती होती थी ना, चल रही होती थी कॉन्सर्ट में, लास्ट सेकंड लास्ट, उससे पहले आंखों आंखों में बात हो जाती थी किसके रूम में बैठना है, क्या मटेरियल आया है, कौन सा ड्रिंक है, हाँ कर दो एक आदमी जाकर के सब ऑर्डर करके सेट करके रखता था। मतलब प्रोग्राम के बताऊंगा आपको मैं, वो जो डे वन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि अपने लिए बजाना, अपने लिए गाना, अपने लिए म्यूजिक करना, ये मुझे सच्ची बता रहा हूँ, ये कुछ सालों से मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि इसका मतलब क्या है। वो कहते थे जो टिकट लेके आते हैं ना, 78% जो टिकट लेके आते हैं उनको कोई म्यूजिक से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए कि ओ यार लास्ट नाइट वी वेंट टू आई वाज देयर, आई वाज देयर, ही वाज देयर। तो मेरे को बाउंसर था वो सब चीजें, बोले वो जो धक्का मुक्की करके बैक स्टेज से जो आते हैं ना लोग, वो सही सुनकार होते हैं, उनको कदर होती है, और खास करके जो फ्रंट चार रो में बैठे होते ना उनको तो म्यूजिक से कोई मतलब ही नहीं होता, नॉर्मल ऑडियंस बोल रहे हैं, कलाकार नहीं, नॉर्मल ऑडियंस बोलते। तो ये मतलब काफी सारी चीजें, ये कोशिश करता हूँ कि अपने इस जीवन में वैसे ही चलती रहे, और वो ही उसको मैं चेंज तो नहीं कर पाऊंगा। एक समय था कि बड़ा शौक था मुझे कि एज कंपोजर काम करूं, बहुत शौक था, वो नशा ऐसा उतरा मेरा कि पूछो मत, ऐसा उतरा मेरा नशा भाई साहब कि पूछो मत। तो जगजीत अंकल ने भी मेरी काफी हेल्प की, लेकिन वो जानते थे कि इस रास्ते पे इसको चलने दो, इसको मजा लेने दो, थोड़ा पता चलेगा तो फिर वापस आएगा। तो उन्होंने, उनके सर्कल में तो खैर कौन नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ कुछ बड़े लोगों को उन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा काम करता है इसे कराओ। पहुंचा मैं, म्यूजिक सिटिंग हुई, तो जो डायरेक्टर साहब थे, एक बार और गाओ, क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइसली रिटन एंड वेरी वेल कंपोज, सब कुछ हो गया। एक बार गा दी, दो बार गा दी, तीन बार गा दी, चार बार गा दी, अभी गला दर्द होने लगा। अच्छा, मेरा वो नहीं है कि सिटिंग मतलब आप 40 म्यूजिशियन ले जाओ, वो मेरा तामझाम नहीं है। सिटिंग मतलब आपको कंपोजिशन सुननी है, वर्ड सुनने, वो हारमोनियम पे सुनो आप, वो उसके लिए तामझाम नहीं चाहिए। मैं इस तरीके से करता हूँ।
तो खैर अब तो वो भी बंद कर दिया, अब तो ये है ये लेके जाओ। एनीवेज तो अब कोई चाय लेके आया तो उसको बिठा दिया, हाँ एक बार फिर से गाइए, तो एक्साइटमेंट फिर से गाया, फिर कोई फाइल लेके आया तो हाँ एक बार और गाइए, उसको बिठा दिया, फिर कोई फ़ोन लेके आया उसको बिठा दिया। तो मैंने बोला अभी साहब ऐसा है कि मेरे गला थक गया अभी मेरा, आपको जितने लोगों को बुलाना है एक साथ बुला लीजिए, मैं फिर से गा दूँगा, बट अभी मैं मेरा गला बंद हो रहा है। नहीं आप समझते नहीं है, जनता जनार्दन होती है, जब आप गाते हो तो मैं इनके रिएक्शंस देखता हूँ कि इनका रिएक्शन क्या है। मैंने आपको पता है ये आदमी कितना परेशान शक्ल से लग रहा है, ये जो फाइल लेके आया है, हाँ इसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या चल रही है, मेरा गाना क्यों सुनेगा ये, या इस कंपोजिशन को क्यों सुनेगा वो, ये डिसीजन आपका है, आपको कैसा लगा? बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को पब्लिक का वो रिएक्शन देखना है कि उनको उनको कैसा लग रहा है। तो मैंने एक काम करिए, आप शिवाजी पार्क में मेरा एक प्रोग्राम रख लीजिए, 75,000 लोगों को बुला लीजिए वहाँ पर और सबके रिएक्शन देखिए, उसके बाद फिल्म करेंगे। तो वो भड़क गए मेरे पे, बहुत गुस्सा हो गए। बोले आपको बात करने का तमीज़ नहीं। वो बात करने की तमीज़ की बात नहीं कर रहा मैं सर, मैं आपको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, आपको ठीक लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो फिर ख़त्म करिए ना। आप 10 लोगों को पूछेंगे वो कुछ पूछा चाय लेके आया उसको क्या म्यूज़िक से मतलब है, नहीं यही लोग तो खुश होने चाहिए, तो मैंने इनके लिए फिर ऐसा म्यूज़िक बनाओ, आप लाल टमाटर टाइप का म्यूज़िक बनाओ, है ना, फिर ऐसा मत सोचो ना कि सूफीज़म होना चाहिए, होना चाहिए वो मत सोचो ना, फिर उनको मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। खैर मैं बात करते करते मेरा हारमोनियम पैक करने लगा, तो ये क्या कर रहे हो, मैंने बस हो गई सेटिंग, बस कर ली फिल्म, आइंदा से मैंने बोला मैं कभी नहीं आऊँगा आपके पास, ना आपको फ़ोन करूँगा कभी। खैर फ़ोन तो मैंने किया भी नहीं था, तो जगजीत जी ने कोऑर्डिनेट किया था, गया। उससे पहले उन्होंने जगजीत अंकल को फ़ोन कर दिया था कि लड़का बदतमीज़ है और ये है वो है। अब अंकल मेरा नेचर बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है कि क्या हुआ होगा, तभी वो मेरे को बोल रहे थे जाके देखो क्या होता है, ठीक है। तो मेरे को फ़ोन आया, हाँ भाई, मैंने हाँ अंकल हो गई सेटिंग, निकल गई सारी हेकड़ी, मैंने बस निकल गई सारी हेकड़ी, हंसने लगे, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो हर बात के बाद वापस एक बात बोलते थे कि जिस रास्ते चल रहे हो ना उस रास्ते ही चलना, भटकना मत, दुनिया कदमों में आती है तुम्हारे, अगर तुम स्ट्रांग होते हो ना और अपने काम पे तुमको अकीदा है, विश्वास है, और इसलिए मत काम करना कि इस काम से मुझे ये मिलेगा या ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, या उस वो कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। डू योर वर्क प्रॉपरली, जो तुम्हारी औकात है, जितना तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है चीज़, वो निकाल दो अपने अंदर से, समय को मत देखना कभी, घड़ी मत देखना काम करते समय। तो ये ऐसा बचपन से बैठा है पिताजी की तरफ से भी, मम्मी की तरफ से भी, जगजीत अंकल की तरफ से भी, कि मैं कितनी बार मैं मेरे जो साउंड इंजीनियर हैं सेतु रमन जी, एक टाइम था कि हम सुबह 11-12 बजे काम शुरू करते थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6-7 बज जाते थे और पता नहीं चलता था कि सुबह के 6-7 बज गए। कितनी बार मैं स्टूडियो में सोया हूँ, महीनों स्टूडियो में सोया हूँ, मैं घर जाता ही नहीं था। ये पागलपंती ज़रूरी है सर, पागलपंती नहीं, ये पैशन, मतलब आपको बे इंतहा इश्क होना चाहिए अपने काम से। मैं यही जानना चाह रहा हूँ दीपक भाई कि अगर आपके बारे में कोई जाके गूगल पे पढ़ेगा या आपके कुछ इंटरव्यूज यहाँ वहां से ढूंढना शुरू करेगा तो कई जगहों पे आपके नाम के पहले ये लिखा होगा कि ये भारत के सबसे अच्छे वायलिन बजाने वाले कलाकार हैं। अब मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है, सवाल मेरा ये है कि जब इस तरह की बातें लोग कहते हैं आपके साथ, लेकिन आपके मतलब कलाकारों के लिए जो सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार माने जाते हैं, चाहे वो पद्मश्री हो या इस तरह के जितने भी सम्मान होते हैं जिसके बाद एक कह सकते हैं कि कलाकार की एक छवि बन जाती है कह लें, तो आप अभी तक उन पुरस्कारों तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या आपको लगता है कि उसकी वजह ये जो आपका बर्ताव रहा या जो ये आपकी नाराजगी रही या जो आपने ये सो कॉल्ड आप जिसको कहते हैं कि एटीट्यूड दिखाया, क्या कहीं ये बाधा तो नहीं बन रहा है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको कि एक तरफ आपके बारे में लिखा जाए कि आप भारत के सबसे अच्छे वायलिन बजाने वाले हैं, लेकिन अगर कोई आपको अवार्ड की कसौटी पर तौलने बैठे तो शायद उसको कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा डाइसी सवाल है ये, बट मैं बताऊंगा आपको, 100% बताऊंगा जी। देखिए इसमें क्या
क्या है कि मैं इससे थोड़ा सा रिवर्स जाता हूँ। रिवर्स, मैंने 2015 में मैंने डिसाइड किया था, और वो मेरा जो मैं डिसाइड करता हूँ वो मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं कभी हिंदुस्तान में कोई भी फिल्मी जो अवार्ड नाइट्स होती है, या कभी भूले भटके कोई अवार्ड अगर मुझे मिलेगा तो मैं कभी नहीं जाऊँगा। वो कोई भी अवार्ड हो, कोई भी टाइप का फिल्मी अवार्ड कोई भी हो। आई हैड ए वेरी बैड एक्सपीरियंस। एक बहुत नामचीन अवार्ड फंक्शन होता है, मैं और मेरी वाइफ को पहले फ़ोन आता है कि आपका, मेरे को बोला कि आपका जो एल्बम है वो नॉन फिल्म कैटेगरी में वो है, और उसको मैंने बोला मैं आऊँगा, अगर मुझे मिल रहा है तो आऊँगा, मैं नहीं तो नहीं आऊँगा। बोला नहीं मिल रहा है, और आपको हम अपना दो या चार, आपको कितने VIP गोल्ड कार्ड, मैंने गोल्ड क्या होता है VIP सुना था, गोल्ड क्या कार्ड क्या होता है, बोला गोल्ड मतलब आगे वाला, आगे वाली सीट। तो मैंने आगे पीछे से क्या फ़र्क पड़ता है, बैठना है और क्या, अवार्ड लेके जाना है, ख़त्म बात। तो उन्होंने गोल्ड कार्ड दिए मुझे दो, तो मैं और मेरी वाइफ गए थे उस अवार्ड फंक्शन में, सो कॉल्ड अवार्ड अवार्ड फंक्शन। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत सदमा लगा। हमारे हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी विभूतियाँ जो 12वीं 13वीं रो में बैठे हुए थे, और जो अभी निकले हैं, सब अच्छे हैं, ऐसा मैं किसी का वो नहीं कर रहा, उनका कोई कसूर नहीं, वो लोग सब फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। तो मैं उठ के उनके साथ बैठा पीछे। मेरी वाइफ को मैंने बोला तुम यहीं बैठो, मैं उनके साथ पीछे बैठता हूँ। पहले तो वहीं पे मेरे को झटका लगा। फिर सर वहाँ पे ये हो रहा था कि कौन अवेलेबल है, कौन आया है। तो जो आया है बड़ा पर्सनैलिटी, जो सेलिब्रिटी है या जो भी है, सेलिब्रिटी तो हर चीज़ हर फील्ड में ही है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वहाँ हाथों हाथ चेंज हो रहा था मामला, कि इसने फ्री में परफॉर्म किया है, इसको मिलना चाहिए, इस कैटेगरी में इसको अवार्ड दे दो, ये आया तो। अब वो मेरा एल्बम, वो म्यूजिकली भी बड़ा रिच था, और अपना उसकी फिजिकल सेल भी बहुत थी, उस समय CD का दौर था, और डिजिटली भी काफ़ी वो मतलब बिका है, जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। मतलब 23 घंटे में वो एल्बम कुछ नंबर 1 पे था रिलीज़ होने के। एनीवेज, तो वो मेरे को नहीं मिला। मुझे उस चीज़ का दुख नहीं है कि मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे एक चीज़ की बड़ी संतुष्टि हुई, और मैंने एक सीखा उस चीज़ वो उस दिन सीखा मैंने कि हिंदुस्तान में खास करके ये जो फिल्मी कार्यक्रम होते हैं, जो फिल्मी अवार्ड्स होते हैं, उसमें मैं, उसके बाद मुझे कुछ कुछ आए, फोन आए कि आपका ये गाना उसमें नॉमिनेट, मैंने आपको जिसको देना है दे दीजिए, मैं तो नहीं आऊँगा। और कभी भविष्य में, लाइफ में, मैं अवार्ड के पीछे नहीं भागता। मेरा अवार्ड बताऊँ क्या है, आप हो मेरा अवार्ड, जो आप मेरे से इतने घंटे से बात कर रहे हो, आप म्यूजिक को समझते हो। मेरा अवार्ड है कि पंडित रविशंकर जी आकर के, अभिनव जी के साथ आकर के मुझे बुला करके मेरा माथा चूमा, वो मेरा अवार्ड है। मेरा अवार्ड है कि लता जी, लता दीदी ने उनकी कंपनी से अपना मेरा एल्बम लॉन्च किया, क्लासिकल का, वायलिन सोलो का, और अपने हाथ से लॉन्च रिलीज किया एल्बम, वो मेरा ग्रैमी, मेरा सब कुछ है वो। हाँ, ये मेरा अवार्ड है कि जो ऑडियंस प्यार से सुनती है, वो मेरा अवार्ड है। तो बात रही पद्मश्री की या इसकी, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो जो भी डिसीजन मेकर, जो भी जो जूरी में हैं, या मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, या तो उनको म्यूजिक पता नहीं है शायद, या उनको म्यूजिक की समझ नहीं है, या उनको ये नहीं पता कि कौन किस लेवल का काम कर रहा है। तो ये सारा लॉबी है सर, ये एक बड़ी लॉबी है। तो ये आपकी अगर मिनिस्ट्री में या कहीं अच्छी पहचान है, तो आपको पद्मश्री मिल जाएगा, या पद्म भूषण भी मिल जाएगा, या भारत रत्न भी मिल जाएगा, यू नेवर नो। ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो, जिनको सीधा स्ट्रेट अवे जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए सीधा। ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं, लाइक इलैयाराजा सर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और कोई डिसिप्लिन नहीं रहा सर, और ना इस अवार्ड की वैल्यू रही है। आज बहुत सारे कलाकार हैं, शंकर जी को बहुत लेट मिला, सुरेश वाडेकर जी को बहुत लेट मिला, उनसे पहले जिनको मिला, आपको भी पता है मुझे भी पता है, जो मुझे पता नहीं डिजर्व करते कि नहीं करते, लेकिन उनको बाद में मिलता तो अच्छा रहता। आज की तारीख में, आज की तारीख में
क्लासिकल गाने वाली, हाँ, फीमेल आर्टिस्ट क्लासिकल जिसको बोलना चाहिए कि एक अलग लेवल पे ले गई हैं कौशिकी चक्रवर्ती, मेरे हिसाब से उनको तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हाँ, कुमार बोस जी हैं, हाँ, सपन चौधरी जी हैं, और काफी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं सर, अभी नाम गिनाने जाऊंगा तो मतलब वो यहाँ इस कंट्री में क्या है, मरने के बाद ही आपको पूजा जाता है, या आप खरीद लो अवार्ड, या खरीद लो, या आप मर जाओ उसके बाद आपका स्टैचू बन जाएगा, ये हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ में कोई दिलचस्पी मेरे को डे वन से नहीं रही, और जब इस चीज़ की गंदगी पता चली कि ये तो बड़ा ही दलदल है ये, तो यहाँ से ध्यान ही हट गया बिल्कुल, ध्यान कभी था भी नहीं पहले भी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। कि एक आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हो तो उसका एक मज़ा होता है कि यार मैं ये चीज़ रिसीव करने जा रहा हूँ, मुझे इस लायक समझा। अभी तो क्या हो गया कि आप अच्छी पहचान है आपकी, कर दो, तीन चार फोन लगा दो, तो एक दो साल में जैक लग जाएगा आपका, तो वो नहीं चाहिए सर, वो वैसा नहीं चाहिए काम, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा दीपक भाई, वो एक मुनव्वर राणा साहब का शेर है, जी जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और मैं आपके इस फैसले का सम्मान भी करता हूँ, क्योंकि जो भी हम लोगों ने इतनी लंबी बातचीत की उसमें ये तो समझ में आ ही गया कि आप अपने अपने उसूलों पर आप बिल्कुल खरे रहने वाली बात है, तो एक बड़ी दिलचस्प सी बात है, और उससे मैं आता हूँ अभी। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर याद आ रहा है, और शेर है कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। तो ये जो आपका इश्क है, यानी जो आपका वायलिन है, ये बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं, जो दो लोग हम लोग को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा वायलिन कहाँ है, तो ये क्या इश्क, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए जैसा मामला है कुछ? सर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि मेरे दोनों तीनों वायलिन जो हैं वो स्टूडियो में है, लेकिन मैं आप सबसे जितने दर्शकगण हैं उनको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सिलसिला यहां ख़त्म नहीं हुआ, एक एपिसोड पूरा प्लान करेंगे जिसमें मेरा वायलिन भी साथ में होगा, और वो मैं मेरे भैया के साथ फिर से करूंगा, तो वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं सर। और रहा सर कि एक दिन ऐसा नहीं होता कि इंस्ट्रूमेंट ना खुले और रियाज ना हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस जन्म में, तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वही एक सहारा है, वो सारा हो भी नहीं, लेकिन हमको खुद को अंदर से वो घुटन होती है कि अगर एक दिन संगीत ना हो या एक दिन रियाज ना हो, म्यूजिक ना हो, तो अजीब सा लगता है। तो बस कोशिश करता हूँ कि अपना काम लाइफ में जितना बड़े बुजुर्गों से सीखा है, अपने पिताजी से, ताऊ जी से, अपनी माताजी से, सभी से सीखता हूँ मैं। तो एक और चीज़ मैं आपको सर बताना चाहूँगा, ये जो मेरा फिल्मी भूत था ना, ये फिल्मी भूत ऐसा उतरा मेरा कि मैंने कसम खाई कि मैं कभी जिंदगी में फिल्म का म्यूजिक नहीं करूंगा। एंड ऑफ द डे मुझे म्यूजिक करना है, तो मैं फिल्म का म्यूजिक क्यों करूं भाई, मैं अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक करूं। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो अब ये हिंदुस्तान में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये पहले से ही रिवायत शुरू हो गई। ये चीज़ मुझे जगजीत अंकल बताया करते थे जब वो बड़े फेमस थे एक टाइम पर, कि फिल्मी लोगों के घर में पार्टीज होती थी, उसमें वो घंटों घंटों गाया करते थे, वो चित्रा आंटी भी कितनी बार होती थी, इसलिए करते थे कि उनको कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर बोल दे कि एक फिल्म का गाना तुमको हम देते हैं। तो वो मुझे बोलते थे कि जहाँ उम्मीद होती है ना, और जहाँ आप फ़ोन करते हो या जहाँ से कोशिश करते हो कि इधर इसको मिल लूँ तो ये काम हो जाए, वहाँ आपको ज़िंदगी में काम नहीं मिलेगा, काम आपको अलग से मिलेगा, और काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचना बंद करो। तुम कुएं में भी बैठोगे ना और तुम्हारा काम पक्का होगा। ये मोबाइल वोबाइल तो अभी भी आया, सोशल मीडिया ये वो सब कुछ, कुछ सालों से ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको लोग घर से पकड़ के लेके गए कि नहीं आप ही चाहिए। बिल्कुल, आपको भी पता है, आपका काम स्ट्रांग होना चाहिए, आपका काम स्ट्रांग होना चाहिए। कोई परफेक्ट लाइफ में कोई नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं, सब में खामियां हैं, सब में खूबियां हैं, वो ऐसी खूबी है कि वो उसी में। लेकिन जो आदमी इनसिक्योर, अपने आप को इनसिक्योर फील करता है ना कि अरे यार ये चीज़ में अगर यहाँ इसको उस समय मिल लेता तो मेरा ये काम हो जाता, ये तो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आपको इस महीने में आपको इतना पैसा आना है, वो कैसे भी आना है, वो आप अपना खुद अपने सोलो कॉन्सर्ट्स करके कर लो, या किसी के साथ संगत करके कर लो, या किसी और के साथ बजा के कर लो, या जैसे भी, वैसे ही डेस्टिनी है, ये मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन आप अपना जो कर्म है, कर्म कार्मिक जिसको बोलते हैं, अपना उठ के अपने मेहनत करना, अपना रियाज करना,
हाँ अपना अगर कुछ काम आ रहा है तो उसको समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो ना करो, ना बोलना एक बहुत बड़ा आर्ट है सर। तो मुझे अभी भी आते हैं मेरे को काफी सारे ऑफर्स आते हैं फिल्म के म्यूजिक के लिए, अब तो नहीं आते खैर, क्योंकि वो जो तीन शर्तें हैं वो मानने के लिए कोई तैयार नहीं है इंडस्ट्री में। वो तीन शर्तें ये हैं, मैं बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ आपको कि बिल्कुल जो जो भी मैं कंपोज करूँगा, आप सिटिंग कर लो मेरे साथ, मुझे स्क्रिप्ट भेज दो, सिनॉप्सिस दे दो, सिनॉप्सिस देने के बाद जो सिचुएशन आपने मार्क की उस पर डिस्कस करो, एक साल क्या तीन साल डिस्कस करो। मैं बोलता हूँ मैं जितना मैंने सीखा है मैं उसको बैठ करके 10 चीज़ें कंपोज करके मैं एक चीज़ पर फाइनलाइज करता हूँ, करेक्ट, ठीक बात है ना। अब यहाँ पे क्या चलन हो गया है कि आप ऑप्शन दीजिए, ऑप्शंस बनाइए, 30 गाने बनाइए, 8 गाने बनाइए, 12 गाने बनाइए। अरे भाई क्यों बनाए भाई, जब पहला ही अच्छा है तो क्यों बनाए, नहीं ऑप्शन बनाइए ना। अच्छा ऑप्शन बनाते हैं, चलिए आप मुझे वैलिड पॉइंट बताइए क्यों ऑप्शन चाहिए आपको। आप अगर ऐसे विद्वान हो कोई लोग कि बोले कि यार मेरा सुबह का मूड है तो उसमें तू कुछ अपना ललित में कुछ कंपोज कर, ऐसे तो लोग हैं नहीं कोई, ठीक है ना, हैं तो वो किसी और कारण से घिरे हुए हैं, उनको किसी और की सुननी पड़ती है। तो किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर है। मैं प्रेशर रिलीफ काम करना चाहता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ, मैं फिल्म का नहीं कर रहा, अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहा हूँ। तो मेरी तीन शर्तें जो हैं कि मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, एक गाना बनाया मैंने वो ही जाएगा, उसका अरेंजमेंट आप डिस्कस कर लो, क्योंकि सिनेमा है तो उसके उनके अनुसार आपको चलना पड़ता है, वो कर लो आप डिस्कस, उसके बाद आप सीधा स्टूडियो आइए, मास्टर लेके जाइए। अगर मेरा टेम्पो 89 है तो 89 रहेगा, वो 90 नहीं होगा। और लिरिसिस कौन लिखेगा वो मेरा कॉल होगा। हाँ अगर आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि यार ये अच्छा है एक बार ट्राई करो तो डेफिनेटली करूंगा मैं, अगर मेरी नॉलेज में है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। अच्छे सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। अभी यार इस सिंगर से ट्राई करते हैं, उस सिंगर से ट्राई करते हैं। अरे आलू भाजी सब्जी है क्या, ट्राई करते हैं। हाँ हर सिंगर का अपना एक मयार होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक गला होता है, अपना एक स्केल होता है, अपना एक टेम्पो होता है, एक पेस होता है हर सिंगर का। आपने ट्रैक बना दिया है, आप किसी भी सिंगर को बुला के डब करा रहे हो और बोल रहे हो ये अच्छा नहीं गा रहा या अच्छा नहीं गा रही, आपने उसको पूछा कि तुमको गाना है तो उसके स्केल डिसाइड करो ना पहले, उसका टेम्पो डिसाइड करो, उसका स्केल डिसाइड करो। सही। आज 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 फॉर एग्जाम्पल आप नरेंद्र चंचल जी को एक बात बता रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बुरा मानने वाली बात, नरेंद्र चंचल जी हाई पिच रेंज है, आप उनको खर्च के नोट पे गवाओ, चलेगा नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। तो अभी क्या हो रहा है ना कि वो चला गया टाइम। मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि यार पुराने गाने आज भी मतलब पंचमदा के, एस डी बर्मन साहब के, सलील चौधरी साहब के, खयाम साहब के, ये सारे मेरे फेवरेट हैं, मदन मोहन साहब के, वो सब इंट्रोड्यूट के साथ बायाड है, क्योंकि वो लोग जिए हैं सर उन गानों के साथ, जिए हैं, महीनों महीनों रिहर्सल होती थी, एक एक म्यूजिक, जो पर्कशन प्लेयर है ना उसको भी पता है कि यहाँ पे ए एक्स्ट्रा छक छिक नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। हाँ सिंगर अलर्ट हैं, सबको पर्चा कोई नहीं देख रहा। अभी तो गाना रिलीज होता है तो पता चल, अच्छा ये गाना डुएट था क्या, तुमने भी गाया था क्या, अच्छा ये गाना मैंने बजाया था क्या। आप जीते नहीं हो ना गाने के साथ, आपको आया, आपको 16 बार बजाना है या ये गाना है ये गा दो, यू ट्रैक बजाया हुआ है कीबोर्ड पे, आपको उस गाने का कोई आप घुसा ही नहीं, आपके अंदर दिल में ही नहीं घुसा, आपको पर्चा देख के आप गा रहे, वो मैकेनिकल होना ही है सर। बाकी बेड़ा गर्क कर रखा है मेलोडाइन ने और एंटारेस ने कि हर कोई सिंगर है, अभी तो पता हाँ ट्यून कर लेना, कितने सिंगर बोल के हाँ ट्यून कर लेना, कहाँ से असर पैदा हुआ, असर होगा ही नहीं, इसलिए असर नहीं आज के काम में, बिल्कुल असर नहीं। और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, सॉरी आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक पहले से शुरू हो चुका है। जगजीत अंकल ने देखा कि यहाँ दाल निकलने वाली फिल्म इंडस्ट्री में, अपना कुआं खुद खोदो अपना पानी खुद पियो, उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, अपने लाइव कॉन्सर्ट शुरू किए, एक जगह बना ली। हाँ हिंदुस्तान में जगजीत अंकल, पंकज उदास जी, इन लोग के पीछे इंडस्ट्री भागी है सर, इन लोग इंडस्ट्री के पीछे नहीं भागी, तो ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही तो है और क्या है। बिल्कुल। और भी कलाकार हैं, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं गजल की बात कर रहा हूँ, जो जगजीत अंकल, पंकज दास जी ने जो अपना एक जो स्टेटस और एक जो चीज को मेंटेन किया। मुझे पंकज जी से कितनी बार मेरी बात होती है, आज कितनी बड़ी बात है कि उनके गाए हुए गजल या गीत वो मैक्सिमम जो फिल्में बनी है वो उनके ऊपर पिक्चराइज हुई सर,
वो सिचुएशन क्रिएट किया डायरेक्टर ने, इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो उनको ऑफर्स भी आए कि आपको लेके हम फिल्म बनाना चाहते हैं, म्यूजिकल सब्जेक्ट है, लेकिन वो कभी नहीं उस चीज से हिले, नहीं भैया मैं अपना मैं गाने तक ठीक हूँ, मुझे इसमें मैं खुश हूँ। तो फोकस अभी क्या होता है कि जो अभी के मैं कलाकार देखता हूँ, अच्छा करंट टाइम में ये चल रहा है, कैन यू हियर मी? या उनका क्या है कि करंट टाइम में ये चल रहा है तो ये करेंगे तो हिट हो जाएंगे। अभी क्या चक्कर हो रहा है कि हिट कैसे हो, उनको ये नहीं देखना है कि मेरी जो मेरे अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है वो मेरी वॉइस गजल के लिए है या प्लेबैक के लिए है, या वो अपना हर दिन मूड चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ये सिनेरियो टाइम के हिसाब से कि आज का करंट टाइम ये। अरे यार मेरे पास आते हैं लड़के लड़कियों के वो मैसेजेस आते हैं, गाने भेजते हैं वो लोग कवर वर्जन अरिजीत सिंह जी का या श्रेया घोषाल जी का या सुनिधि चौहान जी का या इन लोग का उन लोग का। तो मैं बोलता हूँ भैया मैं तुम लोग को क्यों सुनूं, तुम उन जैसा गाते हो तो मैं उनको ही बुला लूंगा ना अगर मुझे जरूरत होगी तो। अपनी अपनी पहचान तो बनाओ, अपनी पहचान बनाने के चक्कर में ये लोग कोई नहीं है। दो गाने सीख करके आप रिकॉर्ड पे दो गाने सीख करके तो सिंगर बन जाते हैं, कितने लोग हैं ऐसे। तो इसलिए असर नहीं है काम में, ये एक बड़ा रीजन है। वो राजशेखर है हमारे मित्र, गीतकार है फिल्मों में, तो 2-3 साल पहले एक दिन ऐसे बात हुई थी तो कहने लगे कि भैया आजकल हर दूसरा आदमी फोन करके कहता है कि मौला लिख दो, तो बोले मैंने हाथ जोड़ लिया कि मौला नहीं लिख सकता हूँ, बाकी चाहे जो लिखवा लो, क्योंकि वो ट्रेंड था उस समय फिल्म में मौला पे गाने चल रहे थे शायद। खैर दीपक भाई बातचीत को खत्म करें और जो ये शानदार सफर आपका, आपके पिताजी, आपके ताऊ जी का, आपके परिवार का, आपकी थोड़ी बहुत शैतानियों का, बदमाशियों का और संगीत साधना का सुना, बड़ा आनंद आया। लेकिन आप हारमोनियम लेके बैठे हुए तो वायलिन ना सही, लेकिन कुछ तो, और चूंकि आपने गायकी सीखी भी है तो वो चंद चीजें जो आप सुनाना चाहते हो जो आपके दिल के बेहद करीब हो वो भी सुनेंगे हम, और उसके बाद फिर जैसा आपने वायदा किया है वो वायदा एकदम याद रखिएगा जब वायलिन के साथ एक बार बैठना है। जरूर जरूर जरूर, कुछ आप अभी सुनाए और फिर उसके बाद आपको सजदा एल्बम से एक गजल, क्या बात जो लता जी ने और जगजीत जी ने गाई थी। हारमोनियम लाउड तो नहीं, हारमोनियम नहीं। बहुत देर बात की ना तो अभी गला थोड़ा थक गया है। मेरे कलम पे ज़माने की गर्द ऐसी
मेरे कलम पे जुनून दर्द सीखी, मेरे कलम पे जुनून दर्द सीखी कि अपने बारे में कुछ भी न लिख सका यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से, कि मैं जमीन के रिश्तों से कट गया यारो, मेरी हवा में उड़ी यारो। इसी में एक बड़ी प्यारी चीज है जो मेरे दिल की बेहद करीब है। एक सेकेंड ना, गिव मी वन मोमेंट। श्योर। हाँ, इसी से सेम मूड है तो देखिए। फिर उसी राह गुजरता शायद, फिर उसी राह गुजरता शायद, हम कभी मिल सके मगर शायद, फिर उसी राह गुजरता शायद, जो भी बिछड़े जो भी बिछड़े वो कब मिले फराज, जो भी बिछड़े वो कब मिले फराज, फिर भी तू क्या बात है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम अली साहब इस गजल को जब गाते हैं तो उससे पहले ये बताते हैं कि लिखी कंपोज करने के लिहाज से बहुत टफ गजल है। मतलब आपने जो वर्जन गाया संभवतः ये गुलाम अली साहब वाला नहीं है, लेकिन ये शायद पर जब नहीं, ये जगजीत जी वाले, वही इसीलिए मैंने कहा कि ये जगजीत सिंह की जी की उन गजलों में से है जो शायद उतनी ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी, अगर उस तरह से मंच पे उन्होंने बहुत ज्यादा शायद नहीं गाई, लेकिन गुलाम अली साहब गाते हैं तो वो हमेशा बताते हैं कि गजल कंपोज करना बहुत मुश्किल था, इसलिए क्योंकि लास्ट में शायद शब्द को कंपोज करना शायद आप बेहतर समझते होंगे मेरी ख्याल में की बात को। इसी मूड में, इसी मिजाज, इसी रंग में, इसी राग में जी बिछड़े के भी खान साहब की, गुलाम अली साहब की, मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ। सच मेरी उनसे बात होती रहती है, कभी कभी मुझे फोन करते रहते हैं, कभी मैं उनको फोन करता हूँ। और देखिए इन लोग के काम में क्यों असर है, मैं ये अच्छा हुआ ये जिक्र निकला। हमारी जब बात होती है फोन पे, वो पहले
हालचाल पूछा 4-8 सेकंड, उसका देख मैंने ये नया कंपोज किया, सुन कैसा लगता है। सर ये पैशन जो है ना, ये अंदर ये आग, ये देखने को नहीं मिलती अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिछड़े बिछड़े के भी मुझे तुझसे ये बदगुमानी कि मेरी याद कभी तो तुझे भी आनी पिछड़ी। बहुत 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 मजा आया। बिल्कुल दीपक भाई, बहुत मजा आया। और जैसा मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने शुरू में एक बात बता दी थी कि लॉकडाउन का आपके ऊपर कोई असर बड़ा पड़ा नहीं है, आप अभी भी वैसे ही व्यस्त हैं, तो इसलिए मैं फिर से आपसे बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भूलिएगा नहीं, वॉलेट के साथ एक दिन बैठना है। और जो भी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपके अंदर वो जो, जिसको शायद आप कहते हैं कि वो आपका अखड़पन था, लेकिन मैं तो संगीत प्रेमियों की तरफ से ये दुआ करूंगा कि आप जैसे कुछ और अक्खड़ संगीतकार आए, आप जैसे कुछ और अक्खड़ कलाकार आए, ताकि जो हमारी ये कला है, इसकी जो ये इसका जो सम्मान है, इसके जो संस्कार है, वो न सिर्फ कायम रहे बल्कि वो बचे रहे और उन्हीं उन्हीं उसी खूबसूरती के साथ बचे रहे जिस खूबसूरती के साथ हमें बड़े बुजुर्ग हमारे देकर गए थे या हमें सौंप कर गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे रागगिरी के मंच पे इनवाइट किया, मुझे बुलाया। थैंक यू, प्लेजर 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 टॉकिंग टू यू, सीरियसली थैंक यू सो मच। आई होप टू, बहुत बहुत, आई डेफिनेटली विल मीट सून। थैंक यू सो मच।